वेलकम टू वीकली करंट अफेयर। टुडे वी विल डिस्कस ऑल द करंट अफेयर्स फ्रॉम 7th ऑफ नवंबर टू 30th ऑफ नवंबर 2022। अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज कंस्ट्रक्टेड अ विंड टर्बाइन इन दैट इज मुंद्रा गुजरात। तो अदानी की जो कंपनी है अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उन्होंने क्या किया है, एक विंड टर्बाइन जो है स्टार्ट किया है। विंड टर्बाइन किस लिए स्टार्ट किया है, ताकि वो उससे क्या करें, उससे एनर्जी बना सके, इलेक्ट्रिसिटी बना सके। तो इस तरह के टर्बाइंस होते हैं, ठीक है, पवन ऊर्जा, जिसको हम हिंदी में पवन ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। विंड से ये टर्बाइन घूमेंगे, इसकी वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो ये अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कहाँ पे बना रहा है, मुंद्रा राजस्थान में, और ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट विंड टर्बाइन है, ठीक है। कि वो कौन बना रहा है, अडानी इसको बना रहा है। और इसकी लेंथ कितनी है, ये टॉलर देन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जितनी हाइट है 186 मीटर्स, उससे ज़्यादा है, दैट इज 200 मीटर तक ये लंबा होगा। एंड इट हैज ब्लेड्स दैट आर ब्रॉडर देन द विंग स्पैन ऑफ द जम्बो जेट। जो जम्बो जेट के जो विंग्स, जो ये विंग्स है ना, ये बहुत लंबे लंबे विंग्स हैं, और इसकी जो हाइट है वो 200 मीटर से भी बड़ी है, ठीक है। तो ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, 5.2 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। कैन पावर अप्रॉक्सीमेट 4000 घरों तक ये क्या पहुंचाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सकता है। और इसको बना कौन रहा है, मुंद्रा विंटेक लिमिटेड, ये अदानी की ही कंपनी है, कहाँ पे, मुंद्रा गुजरात के अंदर। सो हु हैज बीन अवार्डेड विद केरला ज्योति अवार्ड, ठीक है, दैट इज एमटी वसुदेवन नायर। तो इनको क्या मिला है, इनको मिला है केरला ज्योति अवार्ड, ठीक है। एक दूसरे पर्सन है, उनका नाम है सेतु, मतलब कि ए सेतु माधवन, उनको क्या मिला है, इनको केरला गवर्नमेंट का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड दैट इज एजुथाचलन पुरस्कारम इनको मिला है। तो ये भी आपने याद रखना है, इनका नाम है ए सेतु माधवन, और केरला ज्योति अवार्ड किसको मिला है, एम टी वासुदेवन नैयर को। ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं। तो ये केरला ज्योति अवार्ड मिला है एम टी वासुदेवन नैयर को, ठीक है। और दिल्ली के बेस्ड मलयालम मेगा स्टार है, उनका नाम है मम्मूत्ती ओचेरी एन एन पिल्लई, ए प्ले राइट इन द मलयालम एंड टी माधवा मेनन, ठीक है। ये कौन है, ये सिविल सर्वेंट है एंड सोशल वर्कर, हैज़ बीन चूजन टू रिसीव द फर्स्ट केरला प्रभा, ठीक है। ये पहली बार दिया जा रहा है केरला प्रभा, किस किस को, एन एन पिल्लई को एंड टी एम मैनन को। ये दोनों नाम भी आपने याद रखने हैं, दो नाम ये याद रखने हैं, एक एम टी वसुदेवन नैयर और एक सेतु माधवन। तो ये चारों नाम आपने ध्यान रखने हैं। नाउ एस्ट्रोनॉमर्स डिस्कवर्ड एन एस्ट्रॉइड दैट कुड डिस्ट्रॉय प्लैनेट इज दैट इज 2022 AP 7। अब क्या हो रहा है, हमारे पास तीन ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास सन है और ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है। तो ये जब सूरज है, ठीक है, तो ये सूरज है, तो इस सूरज की डायरेक्शन से क्या आ रहे हैं, हमारे पास तीन एस्ट्रॉइड जो वो धरती की तरफ आ रहे हैं, उनमें से जो एक है वो बिल्कुल धरती की तरफ आ रहा है, ठीक है। जो ये एस्ट्रॉइड है ये बिल्कुल धरती की तरफ आ रहा है, ठीक है, और ये 1.5 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। इसका नाम है 2022 AP 7 एस्ट्रॉइड। ये हो सकता है, साइंटिस्ट ये बिलीव कर रहे हैं कि ये हो सकता है, ये अर्थ के एटमोस्फेयर में घुस के ये अर्थ पे स्ट्राइक हो सकता है, इट मे बी पॉसिबली हार्मफुल। तो ये आपने ये याद रखना है, इसका नाम क्या है, दैट इज 2022 AP 7 इसका नाम है। और ये दिख भी नहीं रहा है, दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि जब हम यहाँ से इसको देखते हैं तो पीछे क्या आ जाता है, हमारे पास सूरज आ जाता है, सूरज की वजह से क्या हो जाता है, ये इनविजिबल हो जाता है, हम अच्छे से इसको देख नहीं पा रहे, मतलब कि थोड़े थोड़े टाइम के लिए हम इसको देख पा रहे हैं, बट परमानेंटली हम इसको देख भी नहीं पा रहे हैं। और ये जो तीन एस्ट्रॉइड्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, ये अर्थ और शनि ग्रह वीनस के बीच में, ठीक है, अर्थ और वीनस के बीच में जो बेल्ट है वहां से ये तीनों आ रहे हैं। तो आपने इनका नाम याद रखना है 2022 AP 7, दैट इज वेरी मच हार्मफुल फॉर द अर्थ। वी स्टेट लॉन्च्ड CM डैशबोर्ड फॉर लाइव मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट्स दैट इज B। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक CM डैशबोर्ड नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। उसमें क्या होगा, ये हमारे पास एक पोर्टल है, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जितने भी हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया या फिर जल शक्ति डिपार्टमेंट हो गया या कुछ और डिपार्टमेंट्स हो गए, सारे के सारे डिपार्टमेंट एक पोर्टल पे होंगे, ठीक है। और वहाँ पे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट इनके चल रहे हैं, ठीक है, और कौन
कब ये स्टार्ट हुए हैं प्रोजेक्ट और कब ये खत्म होंगे और टोटल एस्टिमेशन कितना है, तो सभी के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसी सीएम डैशबोर्ड के अंदर आती रहेगी। तो इस तरह से हमें क्या पता चल जाएगा कि कितना टाइम किस प्रोजेक्ट के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है वो लगा रही है। तो ये ब्लॉक लेवल पे भी होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होगा और पंचायत लेवल पे भी होगा। तो ये कहाँ के हैं, हरियाणा गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है सीएम डैशबोर्ड योजना, कहाँ पे, हरियाणा में, ठीक है। और यहाँ के सीएम कौन है, दैट इज मनोहर लाल खट्टर। विच कंट्री क्रिएटेड रिकॉर्ड फॉर ऑपरेटिंग द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन, दैट इज फ्रांस। तो फ्रांस अभी क्या कर रहा है, वो अपने 175 एनिवर्सरी मना रहा है, जब 175 साल पहले वहाँ पे पहली ट्रेन चली थी, तो 175th एनिवर्सरी हो रही है इनकी ट्रेन्स की। तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने क्या किया है, स्विट्जरलैंड में एक सबसे वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन, मतलब कि ट्रेन है उसके अंदर पैसेंजर है, मतलब पैसेंजर के लिए एक ट्रेन है सबसे लॉन्गेस्ट, वो ट्रेन इनॉग्रेट की है। इसमें 100 कोचेज हैं, ठीक है, और 1910 मीटर, मतलब कि 2 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है, एंड कंसिस्ट ऑफ 4550 सीट से इसके अंदर है, ठीक है। तो ये इस तरह की हमारे पास एक रेलवे है, कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है, दैट इज स्विट्जरलैंड। तो सबसे लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन, जहाँ पे पैसेंजर ट्रेन आएगा तो अपने इसका आंसर देना है, दैट इज स्विट्जरलैंड। सो हु इज गोइंग टू बिल्ड मंगोलियाज फर्स्ट ग्रीन फील्ड ऑयल रिफाइनरी, दैट इज मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये हैदराबाद का एक इंस्टीट्यूट है, तो हैदराबाद का ये इंस्टीट्यूट है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इन्होंने मंगोलिया के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके अकॉर्डिंगली ये जो इंस्टीट्यूट के पर्सन है ये जाएंगे मंगोलिया और वहाँ पे ग्रीन फील्ड ऑयल रिफाइनरी के लिए काम करेंगे। मतलब कि वहाँ पे अगर तेल निकालना है तो ये कंपनी यहाँ पे क्या करेगी, तेल निकालेगी, ठीक है। द कंपनी वुड प्रोवाइड EPC, क्या प्रोवाइड करेगा, EPC मतलब इंजीनियरिंग का काम जितना भी होगा ये सारे करेंगे, प्रोक्योरमेंट का काम सारा करेंगे, एंड कंस्ट्रक्शन का जितना भी काम होगा, किसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ग्रीनफील्ड ऑयल रिफाइनरी को बनाने के लिए जितना भी काम होगा ये सारा का सारा काम कौन करेगा, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये कहाँ की है, हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है, ठीक है। और $790 मिलियन इसमें पूरा का पूरा खर्चा आएगा और एडवांस टेक्नोलॉजी इस काम में यूज की जाएगी। सो द प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशिएटिव ऑफ इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। सो इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है वो इसके बैकग्राउंड में है, ठीक है। मतलब कि इनके साथ इनकी पार्टनरशिप है, किसकी, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। और ये लिमिटेड कहाँ पे जाएगी, ये मंगोलिया जाएगी और वहाँ पे ग्रीन फील्ड जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको एक्सप्लोर करेगी। कहां पे, मंगोलिया में। सो विच स्टेट लॉन्चेस लखपति दीदी योजना, दैट इज सी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड वाले क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने एक लखपति दीदी योजना जो है स्टार्ट की है, मतलब कि वहां पे 1.25 लाख जो वुमेन है, ठीक है, जो काम कर रही है किसके अंदर, सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर जो काम कर रही है, उन सबको हमने क्या बनाना है, लखपति बनाना है। मतलब कि हर एक इंडिविजुअल के पास पैसा आना चाहिए, ठीक है, और उनको लखपति बनाना है अप टू 2025, 2025 तक उनको लखपति बनाना है। तो इस स्कीम का नाम क्या है, लखपति दीदी स्कीम। और उनको कैसे बनाना है, लखपति कैसे बनाना है, जैसे हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, उनको स्किल डेवलप करवाना है पहले उनका, ठीक है, फिर उनको माइक्रो एंटरप्राइजेज में डालना है, मतलब कि जो लघु उद्योग होते हैं उनमें उनमें उनको डालना है, ठीक है। और जो सामान बनाएंगे, जो छोटा छोटा जो सामान बनाएंगे वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से हमने उसको क्या करना है, सेल करना है, ताकि उनकी क्या हो जाए, इनकम हो जाए और उसकी वजह से वो क्या बन जाएंगे, लखपति बन जाएंगे 2025 तक। तो ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारे पास उत्तराखंड सरकार। सो विच कंट्री लॉन्चिस द बायोड्यू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, दैट इज चाइना। सो चाइना की जो हमारे पास है बायोड्यू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, जिस तरह से अमेरिका का GPS है ना, GPS जैसे हम यूज़ करते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, अगर हमने कहीं पे भी लोकेशन फाउंड आउट करनी है तो हम GPS का यूज़ करते हैं, बट चाइना का अपना ही है, दैट इज उसका नाम है बायोड्यू, ठीक है, वो अपना यूज़ करते हैं। और ये आजकल न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि ये जो बायोड्यू है अब ये यूज़ करेंगे और कंट्रीज़ में, अभी चाइना में तो यूज़ हो ही रहा है, ठीक है, चाइना में यूज़ हो रहा है, बट ये बोल रहे हैं कि हम पूरे वर्ल्ड में जाएंगे, जिस तरह से थाईलैंड में भी ये आ गए हैं,
या कोई और कंट्रीज हैं वहाँ पे भी हम क्या कर यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ बोयोडियो सेटेलाइट नेविगेशन सिस्टम ऑफ चाइना दैट कैन बी यूज। सो हु वॉन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022, दैट इज़ मुंबई। अभी क्या हुआ, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये T20 टूर्नामेंट था, ठीक है, डोमेस्टिक, इंडिया का डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। इसमें क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश फाइनल में पहुंचा था, किसके साथ, वर्सेस मुंबई, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और मुंबई के बीच ही मैच हुआ था। उसमें क्या हुआ, मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को लास्ट ओवर में 3 विकेट से हरा दिया है। इसमें बहुत ही अच्छा खेला था हिमाचल प्रदेश ने, बट लास्ट 18th ओवर तक हिमाचल प्रदेश काफ़ी कंट्रोल में था, बट लास्ट के जो दो एक ओवर था 19th ओवर, उसमें काफ़ी ज़्यादा रन लग गए थे, जिसकी वजह से लास्ट ओवर में फिर मुंबई बड़े इजीली नहीं बोल सकते, बहुत ही टफ सिचुएशन में मुंबई ने इसको जीता। तो पहली बार मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीता है, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो मुंबई वॉन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और हिमाचल भी पहली बार ही फाइनल में पहुंचा था सैयद मुश्ताक अली के फाइनल में। अभी विजय हजारी ट्रॉफी 2022 हिमाचल प्रदेश ने जीती थी, पहली बार हिमाचल प्रदेश ने जीती थी, और रणजी ट्रॉफी किसने जीती थी, मध्य प्रदेश ने, वो भी पहली बार जीती है। विनर ऑफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये मुंबई ने जीती है, तो ये तीनों पहली पहली बार ही जीते हैं। अब ईरानी कप हुआ था पीछे जैसे, तो उसका क्या हुआ, रेस्ट ऑफ इंडिया ने उसको जीता है। सो अब कुछ वन लाइनर्स हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द IBPS एंड बैंकिंग एग्जामिनेशंस, कुछ और टाइप के भी डेली एग्जाम्स होते हैं, जिस तरह से टेट एग्जामिनेशंस होते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम होते हैं, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो वो ऑनर्ड विद अ मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड, ऑस्ट्रेलिया मेंबर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का अवार्ड जो है मिला है, वो मिला है अमित दास गुप्ता को। बाजीरॉट नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट जो कि स्टार्ट किया है इन उड़ीसा में, ये स्टार्ट हुआ है, इसमें फीफा और जो इंडिया का AIFF है, इन दोनों, ये दोनों इसमें इन दोनों की वजह से ये दोनों आपस में कोलाबरेट कर रहे हैं और उड़ीसा में ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं। इंडियाज रैंक इन चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, दैट इज मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग की सबसे कम कॉस्ट किस कंट्री में है, ठीक है, उसमें इंडिया का 31st नंबर है। सो गंगा उत्सव द रिवर फेस्टिवल 2022 ये स्टार्ट किया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। नेशनल मोनूमेंट इन बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, ठीक है, बांसवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहाँ पे नेशनल मोनूमेंट जो है वो घोषित किया है बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज मनगढ़ धाम। सो मनगढ़ धाम कहाँ पे है, दैट इज राजस्थान, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। विच कंट्रीज सुप्रीम कोर्ट बैंस 2-finger test, दैट इज इंडिया। हु इज गोइंग टू होस्ट ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज केरला, केरला में ये टूर्नामेंट हो रहा है। हु हैज बीन नेम्ड एज प्रेजिडेंट ऑफ फिक्की, दैट इज सुब्रकांत पांडा। हु इज गोइंग टू अज्यूम प्रेजिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेजिडेंसी कौन सा देश कर रहा है आजकल, दैट इज घाना। हु इज ऑनर्ड विद शेवलर अवार्ड बाय फ्रेंच गवर्नमेंट, सो ये शेवलर अवार्ड है फ्रेंच गवर्नमेंट का, वो मिला है अरुणा साईराम को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फ्रेंच गवर्नमेंट का हाईएस्ट ऑनर, शेवलर डे आई ऑर्डरे डेज आर्ट्स में दिया जाता है ये अवार्ड, ठीक है, आर्ट और कल्चर में ये अवार्ड दिया जाता है, तो अरुणा साईराम को ये अवार्ड जो है इस बार मिला है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 इज सेलिब्रेटेड इन, दैट इज बी उमैम लेक मेघालय, सो उमैम लेक जो मेघालय में है, ये वाली लेक, दैट इज उमैम लेक, दैट इज इन मेघालय। सो राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 जो है ये मेघालय में मनाया जा रहा है, कहाँ पे, उमैम लेक पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस दिन के अंदर क्या हो रहा है कि 3 दिन का ये वाटर स्पोर्ट्स होगा, ठीक है, कल्चरल एक्टिविटीज़ इसमें होगी, कब से कब तक, 3 से लेके 5 नवंबर के बीच में, ठीक है। और ये किसके लिए, इसका एम क्या है, इसका एम है कि एनकरेजिंग द स्पोर्ट्स लविंग यूथ, ठीक है, मतलब कि जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं उनको एनकरेज करना, जैसे रोविंग, सेलिंग, ठीक है, यहाँ पे शिप्स वगैरह होंगी, बहुत सारी शिप्स होंगी, तो कॉम्पिटिशन होगा कि रनिंग का कॉम्पिटिशन कौन पहले पहुँचेगा, तो इस तरह की स्पोर्ट्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, किसके अंडर, राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 के अंडर। द इवेंट इज ऑल्सो एम्ड, तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर इस तरह के कॉम्पिटिशन होंगे तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, लोग आएंगे, लोग देखने आएंगे, तो टूरिज्म भी प्रमोट होगा, तो ये प्रमोशन ऑफ टूरिज्म इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए भी ये किया जा रहा है। इट वॉज एन इनिशिएटिव बाय
इंडियन आर्मी, ठीक है, ईस्टर्न कमांड की जो इंडियन आर्मी है वो विद द गवर्नमेंट्स ऑफ असम एंड मेघालय के साथ मिलकर वो क्या करवा रहे हैं, इस तरह का वाटर फेस्ट करवा रहे हैं। मेघालय के सीएम है कोनराड सांगमा। सो वांगला फेस्टिवल, एक वहाँ का एक वांगला फेस्टिवल भी होता है, ठीक है। इज द वे टू प्रिजर्व एंड प्रमोट द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ गारो हिल्स। गारो खासी जयंतिया जो तीन हिल्स हैं ये हमारे पास मेघालय के अंदर आती है, ठीक है। तो इसमें जो गारो हिल्स में जो गारो पीपल रहते हैं वो वांगला फेस्टिवल मनाते हैं, और इनका जो डांस होता है उसको भी वांगला डांस बोलते हैं। सो लिविंग रूट ब्रिज आपका, आपको ध्यान में होगा कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि लिविंग रूट ब्रिज जो है वो मेघालय में है। ये क्यों चर्चा में है? ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसको यूनेस्को की हेरिटेज के लिए इसको लिस्ट किया गया है, ठीक है। इंडिया ने इसको लिस्ट किया है, अभी इसको यूनेस्को का टैग नहीं मिला है। सो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। अभी कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि इंटरनेशनल जो हॉकी फेडरेशन है उसमें इंडिया के एक नरेंद्र बत्रा नाम के एक पर्सन थे, उन्होंने क्या कर दिया था, रिज़ाइन कर दिया था अबाउट जुलाई के आसपास, ठीक है। उन्होंने इसमें रिज़ाइन कर दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तक अभी तक इसमें कोई भी प्रेजिडेंट नहीं था। अभी क्या हुआ, एक इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान के एक ऑफिशियल है, ठीक है, उसका नाम है तैयब इकरम, ठीक है, तैयब इकरम, और इसके साथ आए थे मार्क कूट्रोन, इन दोनों के बीच में इलेक्शन हुआ। तो इसमें जो जीता है वो पाकिस्तान के तैयब इकरम वो जीते हैं और वो बन गए हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के, दैट इज तैयब इकरम। 26th मालाबार एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज बिटवीन। आपको पता है जो मालाबार एक्सरसाइज होती है, इट इज़ अ एक्सरसाइज बिटवीन द कंट्रीज ऑफ क्वाड। क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज है, एक इंडिया है, एक ऑस्ट्रेलिया है, जापान है एंड द US, ये चार कंट्रीज हमारे पास बनाती है क्वाड, ठीक है। तो क्वाड की जो एक्सरसाइज होती है उसको बोलते हैं मालाबार एक्सरसाइज। सबसे पहले क्या होती थी, जो ये मालाबार एक्सरसाइज होती थी 1992 में स्टार्ट हुई थी, किस किस के बीच में, इंडिया और USA के बीच में स्टार्ट हुई थी। बट 2007 में क्या हुआ, हमने क्वाड बना लिया, ठीक है। जब क्वाड बन गया तो क्वाड की कंट्रीज जो चार कंट्रीज हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड US, ये आपस में एक नेवल एक्सरसाइज होती है इसको कंडक्ट करवाते थे, ठीक है। तो उसका नाम रख दिया इन्होंने जो मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है, जो पहले इंडिया और USA के बीच में होती थी, अब वो इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रही है। और कहाँ पे इस बार ये हो रही है, जापान में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये मालाबार 26 जो मालाबार एक्सरसाइज है ये कहाँ पे हो रही है, दैट इज़ इन जापान, ठीक है। अभी अभी क्या हुआ, जो हमारे पास देखो यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है इंडोनेशिया। तो यहाँ पे एक सुंडा स्ट्रेट है, ठीक है, देखिए सुंडा स्ट्रेट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो सुंडा स्ट्रेट के थ्रू है, ये एक युआन वांग 6, ये इनका स्पाई है, स्पाई शिप है, किसका, चाइना का। ये जो यहाँ से आ रहा है और ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे श्रीलंका पे अपनी शिप जो है ये यहाँ पे इसको प्लेस कर रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये एक तरह का क्या है, युआन वांग 6, ये स्पाई शिप है। ये क्या करेगा, जितनी भी हमारे पास एक्टिविटीज़ इंडिया में हो रही है ना, ये सारी की सारी यहाँ से इन्फॉर्मेशन गेट कर लेता है कि क्या क्या इंडिया स्पेस प्रोग्राम क्या चल रहे हैं, इनके आर्मी के क्या प्रोसेस चल रहे हैं, तो ये सारा का सारा यहाँ पे पता चल जाता है इसके लिए, ठीक है। तो उसको टैकल करने के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंडिया की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, तो उसको भी टैकल करने के लिए ये जो मालाबार एक्सरसाइज है ये इस बार का मेन टॉपिक रहेगा। सो सुंडा स्टेट आपने याद रखना है, जो सुंडा स्टेट है वो इंडोनेशिया में है, किस किस के बीच में, बिटवीन द इंडोनेशिया आइलैंड, ठीक है, जावा और सुमात्रा, ठीक है, एक जावा है एक सुमात्रा है, उसके बीच में सुंडा स्टेट, ठीक है। और इस साइड है हमारे पास क्या, इंडियन ओशन, और इस साइड क्या है हमारे पास, जावा सी, और ये जावा सी और इंडियन ओशन को क्या करता है, जोड़ता है। सो इंडियन मैन स्क्वैश टीम वॉन डैश डैश मेडल इन एशियन स्क्वैश टीम चैंपियनशिप। तो एशियन स्क्वैश टीम चैंपियनशिप हो रही थी, इसमें इंडिया के मैन ने जो है इस बार गोल्ड जीता है। पहली बार एशियन स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में इंडिया ने गोल्ड जीता है, दिस इज वेरी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और इंडिया को कौन लीड कर रहा था, दैट इज सौरभ घोषाल इसको लीड कर रहे थे। इट्स द बिगेस्ट विन ऑफ इंडियन मैन टीम्स सिंस दे वॉन 2014 एशियन गेम्स गोल्ड। तो 2014 में इंडिया ने क्या जीता था, 2014 एशियन गेम्स में गोल्ड जीता था, और उसके बाद एशियन स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में इंडिया ने क्या जीता है, फिर से गोल्ड जीता है। और ये तो मेल कैटेगरी के था। अब फीमेल कैटेगरी में जो हांगकांग है, हांगकांग ने फीमेल कैटेगरी में जीता है, किसको हराया है, मलेशिया को हराया है, ठीक है।
तो जो ये है हमारे पास, ये जो पूरी की पूरी टीम है, ये 24th एशियन स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2022 में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे मैन कैटेगरी में। सो रिसेट टू रेडार इमेजिंग सैटेलाइट इज ऑफ विच स्पेस एजेंसी, जहाँ पे भी आपका सेट आ जाता है ना, तो ये मैक्सिमम आपको आता है, दैट इज इसरो का। ठीक है, जो ये सैटेलाइट होती है मैक्सिमम इसरो की होती है, दैट इज रेडार इमेजिंग सैटेलाइट इसका नाम है। ये क्या है, रीसेट, रीसेट टू क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये आई इन द स्काई है, मतलब कि जो ये है ये आई इन द स्काई है। इसको क्या रखेंगे हम, कुछ एक एटमोसफेयर, अर्थ के एटमोसफेयर में इसको रखेंगे, वहां से ये पूरा का पूरा देखता रहेगा कि हमारे पास बॉर्डर में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है। जिस तरह से हमारे पास कंट्री का बॉर्डर है ना, वहां पे इसको रख देंगे और ये पूरा का पूरा मॉनिटर करता रहेगा कि वहां पे किस तरह की टेररिज्म एक्टिविटीज हो रही है, किस तरह की टेररिज्म एंटी फिल्ट्रेशन हो रही है, एंटी टेररिज्म की एक्टिविटीज हो रही है, और ऑपरेशन जो हो रहे हैं ना उनको ये डिटेक्ट करेगा। ठीक है, द प्रिंसिपल सेंसर ऑफ सी रिसेट टू कंसिडर स्पाई सैटेलाइट, इसको हम स्पाई सैटेलाइट भी बोलते हैं। स्पाई सैटेलाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या रखता है, बॉर्डर पे निगरानी रखता है, दूसरे के जो शिप्स आते हैं, दूसरे के जो अदर जो डिवाइसेस आते हैं, व्हीकल्स आते हैं, उनको ये डिटेक्ट कर लेता है। ये एक्स बैंड पे वर्क करता है, एक्स बैंड मतलब कि जो एक फ्रीक्वेंसी बैंड होता है उस पर ये वर्क करता है। आपने याद रखना है जो रीसेट वन है, ठीक है, वो करता है सी बैंड पे, और रीसेट जो टू है वो करता है एक्स बैंड पे काम। ठीक है, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, तो हमने ये कहाँ से लिया है, इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज से हमने इसको लिया है। इट इज़ प्लेस्ड, कहाँ पर इसको प्लेस किया गया है, ये हमने अर्थ के एटमोसफेयर में रखा है, कहाँ पर, जो हमारे पास इंडियन ओशन है, जकार्ता के पास। जकार्ता कहाँ पर है, जकार्ता यहाँ पर इंडोनेशिया में है। ठीक है, इंडोनेशिया के जो हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर है, यहाँ पे हमने इसको प्लेस किया है ताकि ये यहाँ पे कंटिन्यूसली देखता रहे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, जो चाइना का शिप है ना, कौन सी शिप थी वो, युआन वांगसिक्स, ठीक है, वो जो शिप आ रही है वो स्पाई शिप है, वो इंडिया को स्पाई कर रहा है, तो उसको भी चेक करने के लिए या कुछ और एक्टिविटीज थ्रू चाइना के थ्रू हो रही है थ्रू दिस इंडोनेशिया के मार्ग से, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या रखेंगे, रिसेट टू जो है इमेजिंग सेटेलाइट, उसको हम प्लेस कर रहे हैं। तो व्हाट आर द अपकमिंग प्रोजेक्ट ऑफ इसरो, इसरो के हमारे पास कुछ और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक गगनयान, गगनयान है इंडियन ह्यूमन स्पेस, इंडिया जो है ह्यूमन में, ह्यूमन को स्पेस में भेजेंगे, तो ये पहला प्रोग्राम है इंडिया का गगनयान। उसके बाद आदित्य L1, इसके नाम से ही पता चल रहा है, टू स्टडी द सन्स के, सन का जो एटमोसफियर है, सूरज का एटमोसफियर है, उसको चेक करने के लिए। शुक्रयान 1 मतलब कि वीनस के लिए ऑर्बिटर, ठीक है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार मिशन, ठीक है, नासा और इसरो इकट्ठे होके एक मिशन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, उसको बोलते हैं हम निसार भी, ठीक है, निसार भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, टू स्टडी द हैजार्ड एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज, मतलब कि जो इन्वायरमेंट हमारे पास आजकल चेंज हो रहा है उसको चेक करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए भी इसका यूज किया जाएगा। सो रीसेट टू क्या है हमारे पास, रेडार इमेजिंग सेटेलाइट है, किसने छोड़ा है, इसरो ने छोड़ा है, कहाँ पे रखा है, इंडियन ओशन में रखा है, कहाँ पे, जकार्ता के पास नियर इंडोनेशिया। हु इज गोइंग टू बी द चीफ गेस्ट एट 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन एट इंदौर। सो इंदौर में जनवरी में क्या होगा, इंदौर जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे जनवरी में 17th प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मनाया जाएगा। उसके जो चीफ गेस्ट हैं वो कौन है, वो इस बार जो चीफ गेस्ट हैं वो गुयाना के प्रेसिडेंट होंगे, जो गुयाना एक कंट्री है वहाँ के प्रेसिडेंट जो है वो चीफ गेस्ट आएंगे। तो गुयाना के प्रेसिडेंट कौन है, मोहम्मद इरफान अली विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ 17th प्रवासी भारतीय दिवस। कहाँ पे होगा 17th भारतीय प्रवासी दिवस, दैट इज इंदौर मध्य प्रदेश में होगा जनवरी में, जनवरी 2023 में। तो आप कुछ और क्वेश्चन है रिलेटेड टू एमपी बिहार वगैरह, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट कहाँ पे हमने लॉन्च किया है, दैट इज पूर्णिया बिहार में। इंडियाज बिगेस्ट बायो सीएनजी प्लांट, दैट इज इंदौर मध्य प्रदेश। बायोमास हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे हमने प्लेस किया है, दैट इज कांडवा एमपी। WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर कहाँ पे खोला है, दैट इज जामनगर गुजरात में। 17th NRI डे हमने किस कहाँ पे मनाया है इस बार, दैट इज इंदौर मध्य प्रदेश। इंडियाज फुली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सी बनी है सबसे पहली, दैट इज मांडला मध्य प्रदेश। लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ की है, मध्य प्रदेश की, अभी इसका 2.0 भी इसका लॉन्च हो गया है। खजुराहो डांस फेस्टिवल कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश में। तानसेन समारोह कहां पे होता है, ग्वालियर, दैट इज एमपी में। सो इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट वोटर,
श्याम शरण नेगी पासिस अवे, ही वॉज फ्रॉम विच स्टेट, दैट इज हिमाचल प्रदेश। सो हमने कुछ दिन पहले ये भी पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश में जो फर्स्ट वोटर है श्याम शरण नेगी, इन्होंने जो अपना वोट दिया था 34th time इन्होंने अपना वोट दिया था, बट उसके 2 दिन के बाद ही क्या हो गया, थ्री डेज आफ्टर कास्टिंग इज वोट, मतलब कि हिमाचल में अभी लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं तो उसके लिए पहले ही जो थोड़े ओल्ड एज के पीपल हैं उनके लिए पहले ही वोटिंग जो है हो गई है थ्रू बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट पेपर के थ्रू। तो उसके वजह 3 दिन पहले इन्होंने वोट दिया था और 3 दिन बाद इनकी क्या होगी, डेथ होगी। और इन्होंने 34th time जो है अपना वोट कास्ट किया है, और ये कल्पा में रहते थे, कहाँ पे, किन्नौर में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और ही वॉज 106 years old थे ये, ठीक है। इट वॉज द लास्ट वोट फॉर द मैन हु वॉज 31, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब ये 31 साल के थे, 31 साल के थे, और उन्होंने सबसे पहला इंडिया का, इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे पहला वोट जो है इन्होंने दिया था, ठीक है। द कमीशन सेड ही वॉज नॉट जस्ट द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बट ए मैन विद द एक्सेप्शनल फेथ इन डेमोक्रेसी। सो विच स्टेट इज टू होस्ट ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट, दैट इज सी केरला। सो केरला क्या कर रहा है, ये होस्ट करेगा ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट, ठीक है। ट्रैक एशिया कप इज सैंक्शन बाय द एशियन साइकिलिंग फेडरेशन एंड साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर इसको कर रहे हैं। साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ केरला इन्फॉर्म दैट ड्यू टू एक्सट्रीम हीट एफर्ट्स एंड बींग मेड टू होल्ड द मैचेज अंडर द फ्लड लाइट्स, के अंदर ये सारे के सारे मैचेस होंगे। साइकिलिंग जेंट्स, ठीक है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा, चाइना, कोरिया, जापान, कजाकिस्तान, मलेशिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया एंड इंडिया, ये सारे के सारे जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब केरला के जो चीफ मिनिस्टर है दैट इज पिनाराई विजयन है। ट्रैक एशिया कप 2022 विल प्ले ए क्रिशियल रोल इन डेवलपिंग साइकिल एज ए मेजर स्पोर्ट्स इवेंट इन द स्टेट। तो ट्रैक एशिया 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट दैट इज गोइंग टू बी हैपन इन केरला। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज करते हैं नवंबर में, जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट डेज आते हैं, लाइक 1st नवंबर को क्या था, वर्ल्ड वेगन डे, ऑल सेंट डे भी इसी दिन मनाते हैं। 5th नवंबर वर्ल्ड सुनामी डे, 7th नवंबर नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, और 7th नवंबर इन्फेंट प्रोटेक्शन डे भी मनाया जाता है। 8th नवंबर आज दैट इज वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया जाता है। 8th नवंबर को आज ही गुरु नानक देव्स बर्थडे एनिवर्सरी भी मनाई जाती है, जो कि पहले गुरु थे सिख धर्म के। नाउ 9th नवंबर नेशनल लीगल सर्विस डे, 10th नवंबर ट्रांसपोर्ट डे, 12th नवंबर वर्ल्ड न्यूमोनिया डे, न्यूमोनिया डे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 30th नवंबर वर्ल्ड काइंडनेस डे, 14th नवंबर चिल्ड्रंस डे इन इंडिया, ठीक है, 14th नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी होता है, ठीक है। तो चिल्ड्रन डे इंडिया में होता है 14 नवंबर को, ठीक है। वर्ल्ड का चिल्ड्रन डे कब होता है, दैट इज़ 20 नवंबर, ये दोनों आपने ध्यान रखने हैं। अब 20 नवंबर को क्या होता है, अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे भी होता है। 25th नवंबर इंटरनेशनल डे फॉर इलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 29th नवंबर को क्या मनाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द फिलिस्तीन पीपल, जो फिलिस्तीन के पीपल है उनके उनकी सॉलिडेरिटी के लिए हम 29th नवंबर को इंटरनेशनल डे मनाते हैं। अब वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, लाइक आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कमेंसेस इन दैट इज न्यू दिल्ली, मतलब कि जो आर्मी कमांडर्स हैं उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई है रिलेटेड टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे हुई है, न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दैट इज KV कमत। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डेजिग्नेटेड वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ऑन दैट इज 5th नवंबर को इन्होंने इसको बना दिया था, मनाने के लिए इसको प्रपोज किया था। ऑन गोइंग विलिजेंट स्टॉर्म एयर ड्रिल बिटवीन दैट इज USA एंड साउथ कोरिया के बीच में हो रही है, ये हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था। विनर ऑफ मैंस एशियन कॉन्टिनेंटल चेस चैंपियनशिप दैट इज R प्रगानंदा, ये इन्होंने ये एशियन कॉन्टिनेंटल चेस चैंपियनशिप 2022 जो है वो जीता है। विच बैंक हैज लॉन्च सेवरल डिजिटल इनिशिएटिव अंडर प्रोजेक्ट वेव, ठीक है, दैट इज इंडियन बैंक, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ ICICI बैंक, दैट इज संदीप बख्शी। विच आर्टिकल हैव बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन
टू प्रोवाइड EWS कोटा। तो 103rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 2019 में, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि जो भी पीपल हैं जनरल कैटेगरी से जो काफ़ी गरीब है, 8 लाख से कम जिसकी मंथ ईयरली इनकम है, ठीक है, वो EWS कोटा के अंदर आएंगे। और उनको 10% क्या दिया था, रिजर्वेशन दिया था गवर्नमेंट जॉब्स में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल्स में स्टडी करने के लिए, और कुछ और प्रावधान भी होते हैं। तो EWS कोटा जो है वो जनरल कैटेगरीज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। उसमें जो है आर्टिकल नंबर जो 15 है उसमें सब क्लॉज 6 और आर्टिकल नंबर 16 उसमें सब क्लॉज 6 जो है वो ऐड किए गए थे। तो ये जो क्वेश्चन है ये एज इट इज़ UPSC के एग्जामिनेशन भी में भी इस बार पूछा गया था, ठीक है, प्री एग्जामिनेशन में, और स्टेट गवर्नमेंट जो हिमाचल के स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन है उसमें भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और स्टेट के भी जो एग्जामिनेशन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपने ये ध्यान रखना है, तो कौन कौन से आर्टिकल्स में चेंज हुआ है, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, और उसमें क्लॉजेस कौन कौन से ऐड किए हैं, 15 में 15(6) एंड 16(6) हैज बीन एडेड। तो इसके ऊपर इस तरह का जब EWS कोटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया था जनरल के लिए, तो उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर एक रिट आ गई, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया कि आप जनरल कैटेगरी को इकोनॉमी के बेस पे किस तरह से आप कोटा दे सकते हो, ठीक है। तो ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। अगर आप जनरल कैटेगरी को इकोनॉमी के बेस पे कोटा दे रहे हो तो OBC और SC ST के कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए भी ये कोटा जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो इसके बेस पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुनवाई की, ठीक है, 10% जो कोटा है उसमें जो बेंच हुई सुप्रीम कोर्ट की, जो बेंच थी उसमें 5 जजेस थे, ठीक है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो UU ललित हैं जो कि अब रिटायर हो गए हैं, दूसरे S रविंद्र भट्ट, तीसरे दिनेश महेश्वरी एंड चौथे बेलायम त्रिवेदी एंड JB परदीवाला। तो जो UU ललित है और रविंद्र भट्ट है, इन्होंने तो बोला कि ये जो EWS है जो 10% कोटा जो दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बिल्कुल गलत है, नियमों के खिलाफ है। क्योंकि 1992 में क्या हुआ था, 1992 में जो इंदिरा साइनी केस हुआ था उसमें एक लिमिट बोली थी कि 50% से ज़्यादा आपने कभी भी रिजर्वेशन को इंक्रीज नहीं करना है। बट अब क्या हो गया, जब हमने EWS कोटा ऐड किया गया है तो 54 के आसपास जो है ये परसेंटेज जो है कोटा की रिजर्वेशन की बन गई है इंडिया में। तो बाकी जो तीन जजेस थे, नंबर एक दिनेश महेश्वरी, M त्रिवेदी और JBP, ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि इंदिरा साहनी केस ने ये नहीं बोला था कि इसको आगे बढ़ाया नहीं जाएगा, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं लिखा है कि 50% एक प्रॉपर लिमिट है। और उन्होंने ऐसा बोला कि जो ये कोटा है EWS कोटा वो बिल्कुल ठीक है। तो 2 इसके अगेंस्ट थे, ठीक है, 3 इसके क्या थे, पक्ष में थे। तो इस तरह से क्या हुआ, जो पक्ष वाला है वो जीत गया है। और इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, जो EWS कोटा है वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, अलाउ कर दिया है, ठीक है। तो EWS 10% रिजर्वेशन फॉर जनरल कैटेगरी कौन से अमेंडमेंट में आया था, 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019। अगर फिर से इसके ऊपर कोई केस आता है सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, अभी तो 5 जजों की बेंच बैठी थी, इसके बाद क्या होगा, जो ये इसके ऊपर अगर और चर्चा होनी होगी तो फिर या तो 7 जजेस बिठाने पड़ेंगे, 9 जजेस बिठाने पड़ेंगे, 11 जजेस बिठाने पड़ेंगे, वो डिपेंड करेगा कि कितने जजेस आप बिठाते हो, ठीक है। मतलब कि 5 फिर से नहीं होगा, 5 जजेस फिर से नहीं होंगे यार, 5 से कम तो होते भी नहीं है, ठीक है, या फिर 7 या फिर 9 या फिर 11 या फिर 13 जजेस की बेंच बैठेगी, जो वो फैसला करेंगे वो फिर उसको इस फैसले को ओवरराइड कर सकता है। सो वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक लॉ इज गोइंग टू बी सेटअप इन दैट इज सी उज्जैन। उज्जैन मध्य प्रदेश में हमने काम क्या कर रहे हैं, एक फर्स्ट वैदिक लॉ जो है वो इनॉग्रेट कर रहे हैं। फर्स्ट वैदिक लॉ किस तरह की, एक वैदिक लॉ होगी, ठीक है, जो कि हमें टाइम बताएगी ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारे पास सूरज है, सूरज की जो परछाई है उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या बताएगा, हमारा टाइम बताएगा। जिस तरह से हमारे पास वैदिक टाइम में क्लॉक हुआ करती थी, ठीक है, जो परछाई होती है सूरज की उसके बेस्ड के उसी के बेस पे हम टाइम को मेजर करते थे कि इतने इतना टाइम हो गया होगा, ठीक है। और ये कॉस्ट कितना करेगा, 1.62 करोड़ जो है ये कॉस्ट करेगा।
ठीक है, द एप्लीकेशन ऑफ द वैदिक क्लॉक विल फॉर द विक्रम पंचांग, जो हमारे पास विक्रम संवत होता है ना, हिंदू संवत होता है, उसके बेस पे ये काम करेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा बताएगा प्लेनेटरी की पोजीशन, योगा, भद्रा पोजीशन, मून पोजीशन, फेस्टिवल, ऑस्पिशियस टाइम, बर्थ एनिवर्सरी, जैसे नामकरण रखते हैं तो ये सारे के सारे चक्र को देख के ही हम क्या रखते हैं, नाम रखते हैं, तो ये सारे के सारे काम इसके थ्रू हो सकते हैं। तो वैदिक क्लॉक एप्लीकेशन भी होगी एक, ठीक है, विल बी सीन ऑन द डिस्प्ले। ठीक है, वो आपके मोबाइल फोन्स, LED स्मार्टफोन, टीवी, टैब या डिजिटल वॉचेस में उसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट वैदिक क्लॉक है दैट इज टू बी सेटअप इन उज्जैन, मध्य प्रदेश, और ये वर्ल्ड की पहली फर्स्ट वैदिक क्लॉक होगी। सो उत्तराखंड गौरव सम्मान इज टू बी गिवन टू दैट इज NSA अजीब डोवल, जो कि UK से हैं, उत्तराखंड से हैं, एंड लेट CDS जनरल रावत, वो भी कहाँ से थे, उत्तराखंड से थे। तो इन दोनों को क्या मिल रहा है, उत्तराखंड गौरव सम्मान जो है वो मिल रहा है इस साल का। सो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर दैट इज पुष्कर सिंह धामी, जो हार के भी ये इनको CM बना दिया गया था, उत्तराखंड कैपिटल देहरादून, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दैट इज जनरल मनोज पांडे, हमारे पास चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। अब कुछ और क्वेश्चन है, 15 जो फाइनेंस कमिश्नर है वो कौन है, नंद किशोर सिंह जी, सिविल सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर दैट इज सुरेश पटेल, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC दैट इज यशवर्धन सेना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज राजीव कुमार, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज गिरीश चंद्र मुर्मू। अब नीति आयोग है, नीति आयोग जो है उसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा, कोई भी होगा, ठीक है, मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग का क्या बन जाएगा, चेयरमैन बन जाएगा। वाइस चेयरमैन दैट इज सुमन बेरी आजकल है, और CEO कौन है आजकल, दैट इज परमेश्वरन अय्यर। सो विच प्लेस इज होस्टिंग वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022, अभी क्या हुआ था 2020 में क्या हुआ था, ठीक है, 2020 और 21 में क्या हुआ, कोरोना आ गया था, ठीक है, कोरोना आ गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमने जो फॉरेन के जो टूरिस्ट हैं उनको इंडिया में आना बैन कर दिया था, मतलब कि सभी कंट्रीज ने फॉरेनर्स को आना बैन कर दिया था टूरिज्म के लिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब तो कोरोना वगैरह सब कुछ गायब हो गया है, तो क्या हुआ, तो लंदन में क्या हो रहा है, वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 के एक समिट हो रहा है, जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और इसमें ये चर्चा होगी कि किस तरह से हम क्या करेंगे, जो इंटरनेशनल टूरिज्म है उसको किस तरह से हम बढ़ाएंगे, फिर से रिवाइव करेंगे, ताकि हमारे पास क्या हो, इकोनॉमी उन कंट्रीज़ की अच्छे से अच्छी हो जाए, ठीक है। तो ये कहाँ पे हो रहा है, दैट इज़ लंदन, UK में। सो कुछ और क्वेश्चन है, लाइक वोमेन एशिया कप विनर 2022 में कौन बना था, दैट इज इंडिया, 12th एडिशन ऑफ वोमेन वर्ल्ड कप विनर 2022 ODI में, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, और कहाँ पे हुआ था, न्यूजीलैंड में ये हुआ था। एशिया कप मैन 2022 सब जानते हैं, विनर इज श्रीलंका, होस्टेड बाय श्रीलंका, कहाँ पे हुआ था, UAE में हुआ था, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप मैन कहाँ पे हो रहा है आजकल, दैट इज ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ODI वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे होगा, दैट इज इन इंडिया। Who has been named as chairman of National Monument Authority? ठीक है, जो National Monument Authority है उसके chairman किसको appoint किया गया है, that is किशोर के बासा को जो है appoint किया गया है। He is a professor. प्रोफेसर है किशोर कुमार बासा, हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल मोन्यूमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ही विल हैव ए टेन्योर ऑफ 3 साल का इनका टेन्योर होगा, ठीक है। इससे पहले ये क्या थे, ये वाइस चांसलर थे, कहाँ के, महाराजा श्री श्याम चंद्र भंज देव यूनिवर्सिटी बद्रीपादा, कहाँ पे है, उड़ीसा के, ये यूनिवर्सिटी है, वहाँ के वाइस चांसलर थे, और ऑल्सो ये चेयरमैन भी थे किसके, इंडियन नेशनल कॉन्फेडरेशन एंड एकेडमी ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मतलब कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो ह्यूमन, जो इंसान है वो कैसे कैसे इवॉल्व होके आजकल का इंसान बना है, ठीक है, मतलब कि ह्यूमंस के बारे में स्टडी करने वाले एक इंस्टीट्यूट है, उसके क्या थे, ये चेयरमैन थे, ऑर्गेनाइजेशन है ये एक तरह की, उसके ये चेयरमैन थे। सो नेशनल मोन्यूमेंट अथॉरिटी किसके अंडर आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर, और इसको 2010 में बनाया गया था एक एक्ट के थ्रू, जिसका नाम था एंशियंट मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रामसर एंड रिमेन्स AMSR, ठीक है, अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट 2010 में इसको हमने बनाया था, ठीक है, और मार्च 2010 से हमने इसको काम करते हुए भी देखा है। सो नेशनल मोन्यूमेंट अथॉरिटी के जो चेयरमैन दैट इज किशोर के बासा। सो कंट्रीज फर्स्ट डबल डेकर एक्सप्रेस वे इज गोइंग टू बी एस्टेब्लिश्ड इन दैट इज
दैट इज डी, यहाँ पे डी लिख देना, ठीक है। डी डी नोएडा। सो नोएडा में हमारे पास क्या बन रहा है, कंट्री का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे जो है हम बना रहे हैं, इस तरह का बनेगा ये, ठीक है। एम, इसका एम क्या है, टू कनेक्ट दिल्ली। सो दिल्ली है उसको हमने कनेक्ट करना है यमुना एक्सप्रेसवे के साथ, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली है, यहाँ पे नोएडा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास यमुना एक्सप्रेसवे है, ठीक है। इसको हमने डायरेक्टली कन्वर्ट कनेक्ट करना है यमुना एक्सप्रेसवे के साथ, तो इसके लिए क्या बन रहे हैं हम, कंट्रीज फर्स्ट डबल डेकर एक्सप्रेसवे जो हम नोएडा के अंदर बना रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ पे बनेगा है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा जो एक्सप्रेसवे है, ठीक है, जो ये एक्सप्रेसवे है ना ग्रेट नोएडा और ग्रेटर नोएडा के ऊपर, वहाँ पे हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। किसके लिए बना रहे हैं, ताकि हम दिल्ली को डायरेक्टली यमुना एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ सकें। सो क्रिकेट की न्यूज़ है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 1000 T20 इंटरनेशनल रन्स इन अ कैलेंडर ईयर, मतलब कि एक साल में 1000 रन से ज़्यादा बनाने वाले पहले इंडियन कौन है, दैट इज सूर्य कुमार यादव। ये सूर्य कुमार यादव है, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया है, सो सबसे पहले वर्ल्ड के सबसे पहले कौन है, दैट इज मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने पिछले साल जो है 1000 से ज़्यादा रन बनाए हैं एक साल में, उनके शायद 1326 के आसपास रन है एक साल में। बट अब सूर्य कुमार यादव 2022 में बने हैं, ही इज द ओनली इंडियन प्लेयर जिसने एक साल में 1000 से ज्यादा T20 इंटरनेशनल रन जो है बनाए हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा रन किसके हैं, ओवरऑल, ओवरऑल जो सबसे ज्यादा रन हैं दैट इज विराट कोहली, बट एक साल में सबसे ज्यादा रन किसके हैं, दैट इज सूर्य कुमार यादव। सो विजय हजारे 2022 किसने जीता था, दैट इज हिमाचल प्रदेश ने जीता है फर्स्ट टाइम। रणजी ट्रॉफी 2022 विनर, दैट इज मध्य प्रदेश फर्स्ट टाइम। और आपने एक याद रखना है, स्मैट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022, ये भी किसने जीता है, ये जीता है मुंबई ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। IPL 2022 15th एडिशन हुआ था इस बार, स्पॉन्सर कौन थे, टाटा, विनर दैट इज गुजरात टाइटन्स, इन्होंने भी ये पहली बार जीता है, ठीक है। टोटल टीम्स कितनी है इसमें, टोटल टीम्स इसमें थी 10। सो मानगढ़ धाम ए नेशनल मोनूमेंट इज इन विच स्टेट, दैट इज राजस्थान। सो राजस्थान में हमारे पास क्या है, मानगढ़ धाम है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कर दिया है, इसको डिक्लेयर कर दिया है नेशनल मोनूमेंट, ठीक है, नेशनल मोनूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, और ये बंसवारा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में लोकेटेड है। इसको इसकी क्यों इसको बनाया है, क्यों इसको नेशनल मोनूमेंट जो है वो बनाया है, क्योंकि वहाँ पे जो है भील समुदाय के लोग रहते थे, ठीक है। उनमें जो भील समुदाय के जो फ्रीडम फाइटर है, उनका नाम था श्री गोविंद गुरु, वो वहाँ पे रहते थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए। तो इसके लिए क्या कर दिया, जो मानगढ़ धाम है उसको क्या बना दिया है, नेशनल मोनूमेंट बना दिया है। किसने बनाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको खुद बनाया है, दैट्स वाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। मानगढ़ धाम इज अ सिंपल ऑफ टेनेसिटी सेक्रीफाइस, ठीक है, ट्राइबल लोगों ने बहुत ज़्यादा बलिदान दिया था, ठीक है। और कहाँ कहाँ के ट्राइबल लोग रहते थे, राजस्थान के, गुजरात के, महाराष्ट्र के और मध्य प्रदेश के, इस एरिया में ट्राइबल्स जो लोग हैं वो रहते थे, वो जो है भील समुदाय के लोग थे। तो उसकी वजह से मानगढ़ धाम को क्या बना दिया है, नेशनल मोनूमेंट बना दिया गया है ऑफ राजस्थान। अब कुछ वन लाइनर्स हैं जो वन डे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब रशिया बिकम्स द इंडियाज टॉप ऑयल सप्लायर इन अक्टूबर, ठीक है। सरप्राइजिंग किसको उनका सरप्राइज किया है, वैसे हम सऊदी अरेबिया और इराक से सबसे ज़्यादा तेल लेते थे, बट इस साल क्या हुआ, अक्टूबर में हमने सबसे ज़्यादा तेल जो है किससे लिया है, रशिया से लिया है। आधार मित्र, आधार मित्र एक तरह का क्या है, एक तरह का चैट बॉट है। चैट बॉट मतलब कि जिस तरह से हम UIDAI की जो आधार की जो साइट है वहाँ पे जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे पास वहाँ पे एक चैट बॉट निकलेगा, एक चैट बॉट निकलता है साइड में, वहाँ पे हम लिख के कुछ भी हमारी प्रॉब्लम होगी उसके थ्रू जो चैट बॉट है वह आपको ऑटोमेटिकली आंसर करता रहेगा, ठीक है। नेतन्याहू एंड एलाइज, ये जो है इसराइल के हैं, इन्होंने फिर से इलेक्शन विन कर दिया है, ठीक है, और ये राइट विंग के पार्टी से बिलोंग करते हैं और इनकी पार्टी का नाम है लिक्विड पार्टी, ये फिर से जीत गए हैं और नेतन्याहू अपने अगले प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हैं। से लुला डा सिल्वा ही डिफीट्स बोल्सोनारो, ठीक है, कहाँ के, रिटर्न ब्राज़ील के, ठीक है, ब्राज़ील के जो न्यू प्रेसिडेंट है दैट इज लुला डे सिल्वा। इंडियन मैन स्क्वैश टीम हमने पढ़ा था, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कहाँ पे, एशियन स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में। एशियन हॉकी फेडरेशन हमने पढ़ा था, दैट इज तैयब इकरम
हैज़ बीन इलेक्टेड एज FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के प्रेसिडेंट, ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ नैरोबी केन्या में है। उन्होंने एक रिलीज की है एडेप्शन गैप रिपोर्ट 2022, इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने ये बताया है कि कोई भी कंट्री अच्छे से क्लाइमेट के अडेप्शन को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया है, सभी फेल हुए हैं एंड पुट्स द वर्ल्ड एट रिस्क। ठीक है, COP 20 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27, ये कहाँ पे हो रहा है, दैट इज इजिप्ट में ये हो रहा है, ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक समिट होती है। प्रमोद भगत, मनीषा रामदास, ये जो दो हैं ये बैडमिंटन के, पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं इंडिया के, इन्होंने दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है कहाँ पे, BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप इन टोक्यो। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर वन डे एग्जामिनेशन। 8 डे लॉन्ग पुष्कर फेयर इज गोइंग टू बी होस्टेड इन दैट इज राजस्थान। तो पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है, वो राजस्थान में लगता है। तो ये कितने दिन का होता है, ये 8 दिन का फेयर होता है। पुष्कर फेयर कहाँ पे होता है, राजस्थान में होता है। ठीक है, दिस ईयर पुष्कर फेयर इज बिंग होस्टेड बाय राजस्थान फ्रॉम 1st of November टू 9th of November को ये मनाया जाएगा। पुष्कर फेयर इज ऑल्सो नोन एज पुष्कर कैमल फेयर। ठीक है, पुष्कर कैमल फेयर, कार्तिक मेला और कार्तिक का मेला, तो ये तीनों नाम किसके हैं, पुष्कर फेयर के। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे लाइव स्टॉक्स आते हैं। लाइव स्टॉक मतलब कि कैटल्स आती हैं, कैमल्स आते हैं, हॉर्सेस आते हैं, घोड़े आते हैं, गाय आते हैं, बैल आते हैं, कैमल्स भी आते हैं इसमें। ठीक है, तो ये सब इनका एक कंबाइंड मेला होता है। बट इस बार क्या हुआ है, इस बार आपको पता है लंपी डिजीज आई है, तो कैटल इसमें इंट्रोड्यूस नहीं की गई है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज इसमें इंप्लीमेंट नहीं की गई है, दैट इज कैटल्स। कैटल्स को इससे दूर रखा गया है। क्यों क्यों रखा गया है, लंपी स्किन डिजीज की वजह से। तो पुष्कर फिर कहां पे होता है, दैट इज इन राजस्थान। कुछ और फेस्टिवल्स हैं लाइक त्रिशूर पूरम फेस्टिवल केरला का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं आपको ये जरूर मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में। सरूल फेस्टिवल काफ़ी इंपॉर्टेंट झारखंड, खारची फेस्टिवल त्रिपुरा, थाईपुसम फेस्टिवल तमिलनाडु, बतुकम्पा फेस्टिवल तमिलनाडु, हॉर्नबिल फेस्टिवल ये वेरी इंपॉर्टेंट नागालैंड। ठीक है, चेरी ब्लॉसम ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शिलोंग मेघालय में होता है। ठीक है, मारू फेस्टिवल जैसलमेर राजस्थान में, पांग लहाब सोल वेरी इंपॉर्टेंट सिक्किम, लोसांग सिक्किम, लोसर फेस्टिवल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लद्दाख में, ये होता है न्यू ईयर के बेस पे इसको मनाते हैं। नुआखाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उड़ीसा में, धनु यात्रा उड़ीसा, रजपर्व, ये तीनों के तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी क्वेश्चन पेपर में आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, बोनालू फेस्टिवल दैट इज ऑल्सो इन तेलंगाना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रॉडकास्ट ईयर टाइम शेड्यूलर दैट इज बैट्स इज लॉन्च्ड बाय दैट इज सी प्रसार भारती। तो प्रसार भारती ने क्या किया है, ब्रॉडकास्ट एयर टाइम शेड्यूलर जो है वो लॉन्च किया है, इसका नाम रखा है इन्होंने बैट्स। तो ये बैट्स करके आपको आ सकता है, ये आपको नहीं दिया होगा क्वेश्चन पेपर में, आपको सीधे पूछा जा सकता है कि बैट्स क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रसार भारती ने इसको लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है, जिस तरह से हमारे पास प्रसार भारती होती है ना, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन वगैरह, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है किसी चीज़ों की, ताकि आपको पैसा उससे आ जाए। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट, कौन सी एडवर्टाइजमेंट कब दिखाई जाएगी, ठीक है, ये प्रसार भारती को कौन बताएगा, ये बताएगा बैट्स, ये डिसाइड करेगा कि कब जैसे कौन सी एडवर्टाइजमेंट हमने चलानी है। तो प्रसार भारती कब बना है, 23rd of November 1997 को न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, वहाँ पे बना है। इसके CEO आपने ध्यान रखना है शशि शेखर वेमपाती जी। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं लाइक नैनो फर्टिलाइजर यूनिट, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, वो कलूल गुजरात में इसको स्थापित किया गया है। फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी लखनऊ, फर्स्ट नाइट सफारी लखनऊ, फर्स्ट टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वाराणसी, ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दैट इज लखनऊ, एंड फर्स्ट अमृत सरोवर कहाँ पे बनी है, रामपुर यूपी में बनी है, और रामपुर और यूपी को सबसे बेस्ट जो है अमृत सरोवर का पुरस्कार भी उनको मिला है कि वो सबसे टॉप पे अमृत सरोवर बनाने में इंडिया में सबसे टॉप स्टेट है दैट इज यूपी। सो DRDO हैज लॉन्च्ड अ स्टेट ऑफ आर्ट टेस्टिंग एंड इवेल्यूशन फैसिलिटी फॉर सोनार सिस्टम नेम्ड दैट इज स्पेस। ठीक है, स्पेस नाम की इन्होंने क्या बनाया है, अब इसका मतलब ये है कि DRDO ने क्या बनाया है, स्टेट ऑफ आर्ट मतलब कि
टेस्टिंग एंड इवेल्यूएशन के लिए जो एक सोनार एक टेक्निक होती है, जिसके थ्रू क्या होता है, सपोज हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये समुद्र है, ठीक है, समुद्र है, यहाँ पे पानी है, ठीक है, यहाँ पे एक शिप है, ठीक है, और शिप आपकी इस साइड को जा रही है, सपोज यहाँ पे बहुत बड़ा पत्थर आ जाता है या कुछ और सबमरीन्स वगैरह आ जाती है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये साउंड वेव्स भेजेगा, ठीक है, जब ये इसके साथ टकरा के फिर ये वापस यहाँ पे आएंगी, ठीक है, तो इससे इस शिप को ये पता चल जाएगा कि कुछ डिस्टेंस पे हमारे पास क्या है, ऑब्स्टेकल है, तो हमें अपना रूट यहाँ से चेंज करना चाहिए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सोनार टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिस तरह से हमारे पास रेडार होता है ना, रेडार हमारे पास हवा में होता है, बट ये जो सोनार होता है ये पानी के अंदर होता है, ठीक है, इसकी जो हमारे पास ये टेक्निक है इसको बोलते हैं सोनार, और इसी टेक्निक की टेस्टिंग करने के लिए और इसको इवेलुएट करने के लिए स्पेस नाम का एक सिस्टम जो है वो डेवलप किया है, किसने डेवलप किया है, DRDO ने उसको डेवलप किया है, ठीक है, और ये कहाँ पे यूज़ करेंगे हम, इसका पूरा नाम क्या है, सबमरीन सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकोस्टिक करेक्टराइजेशन एंड इवेल्युएशन, ठीक है, मतलब कि जो नेवी के जितने भी हमारे पास शिप्स हैं, ठीक है, नेवी शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ठीक है, उन सब में हम इसको यूज़ करेंगे ताकि जो सोनार है, जो सोनार एक्टिविटी है वो बहुत ही अच्छी तरह से काम कर सके, ठीक है, फॉर टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ सोनार सिस्टम, आपने ये ध्यान रखना है, इसके लिए हमने स्पेस डेवलप किया है, किसने डेवलप किया है, DRDO ने इसको डेवलप किया है, और इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस सर्वर कौन सा है, दैट इज रुद्रा, और HAL ने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाए हैं, ये इंडिया के पहले इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो इंडिया ने खुद बनाया है, उसका नाम है प्रचंड, तो प्रचंड, रुद्र और स्पेस, ये तीनों आपने नाम याद रखने हैं, तो मैंने जो ये फोटो यहाँ पे लगाई है ये सोनार को डिस्क्राइब करने के लिए होता है, जो सोनार सोनार होता है ना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है, साउंड मतलब कि ये साउंड वेव्स भेजते हैं, ठीक है, साउंड वेव्स हमने यहाँ पे पानी के अंदर भेजी, जैसे हमारे पास कोई ऑब्स्टेकल आई वहाँ से ये क्या होगी, स्ट्राइक करके वापस आएगी, फिर हम देखेंगे जो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम क्या निकालेंगे, पूरा डिस्टेंस निकालेंगे कि ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, ठीक है, उसी के हिसाब से हम अपनी शिप का रास्ता यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सोनार। डैश डैश बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 8th of November 2022, दैट इज 534th, ठीक है, 534th बर्थ एनिवर्सरी थी गुरु नानक देव जी की, और गुरु नानक देव जी कौन थे, ये सिख के सबसे पहले, सिख धर्म के जो सबसे पहले गुरु थे उनका नाम है गुरु नानक देव जी, ठीक है, फर्स्ट ऑफ 10 सिख गुरुज, ठीक है, टोटल हमारे पास 10 सिख गुरुज हुए हैं, उनमें से जो सबसे पहले हैं वो है गुरु नानक देव जी, और उन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी, ठीक है, और उनका जो बर्थ हुआ था वो तालवांडी नानका साहिब जो आजकल पाकिस्तान में है, 1469 ईस्वी में इसका हुआ था, ही फाउंडेड द सिख रिलीजन, ठीक है, हिज लीगेसी टीचिंग एंड लाइफ ऑनर्ड एंड सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, ठीक है, इस दिन क्या करते हैं जो सिख होते हैं ना, वो गुरु ग्रंथ साहिब जो उनका बहुत ही ज़्यादा पवित्र जो बुक होती है उसको रीड करते हैं, ठीक है, 48 घंटे तक वो कंटिन्यूसली उसको पढ़ते हैं, ठीक है, इट टेक्स प्लेस इन द गुरुद्वारा, ये गुरुद्वारा में इसको पढ़ते हैं, और उसको उस टाइम बोलते हैं हम अखंड पाठ, ठीक है, जहाँ पे ये गुरु ग्रंथ साहिब को सिख पीपल जो पढ़ते हैं उसको बोलते हैं अखंड पाठ। सो विच इज द ओनली इंडियन कंपनी इन टॉप 100 रैंक ऑफ फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022, मतलब कि कौन सी ऐसी हमारे पास इंडियन कंपनी है जो फोर्ब्स की लिस्ट में आई है और वर्ल्ड की जो सबसे बेस्ट है एम्प्लॉय प्रोवाइड करने में, ठीक है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप 100 में आई है, इसका रैंक आया है 20th, ठीक है, और ये टॉप 100 में ओनली एक ही हमारे पास इंडियन कंपनी है जो इसमें आई हुई है, ठीक है, तो इट इज़ द कंट्रीज, ये कंट्री की सबसे बड़ी कंपनी है बाय रेवेन्यू प्रॉफिट एंड मार्केट वैल्यू के हिसाब से, रिलायंस इज़ द ओनली कंट्री इन द टॉप 100 रैंक फ्रॉम इंडिया, मतलब कि टॉप 100 जो रैंक है पूरे वर्ल्ड में उसमें से एक ही कंपनी ये इंडिया की इसमें सेलेक्ट हुई है, और सबसे पहले नंबर पे कौन है, सबसे पहले नंबर पे है साउथ कोरिया की सैमसंग, ठीक है, सैमसंग सबसे पहले नंबर पे है जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, उसके बाद है US की माइक्रोसॉफ्ट, IBM, अल्फावेट एंड एप्पल। सो विच स्टेट ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट तोकू अमंग बर्ड काउंट,
दैट इज डी नागालैंड. सो नागालैंड ने क्या किया है, पहली बार टोकू एमंग बर्ड काउंट जो वो सेलिब्रेट किया है. इसका मतलब क्या है, जो जो बर्ड्स हैं उनकी काउंटिंग होगी, उनके संरक्षण के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए, ताकि उनकी संख्या कम ना हो. हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है, हमारे नेचर के लिए भी अच्छा है. तो कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स के लिए जो है ये जो फेस्टिवल है ये ऑर्गेनाइज किया है, टोकू एमंग बर्ड काउंट. कहाँ पे हो रहा है, नागालैंड में हो रहा है, 4 से लेकर 7 नवंबर तक. ठीक है, इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू द किड्स, मतलब कि बच्चों को इसमें क्या सीख मिलेगी कि हमने बर्ड को बचाना है और नेचर को भी बचाना है. ठीक है, तो टोकू इवेंट जो होता है हमारे पास, ये लोथा नागास जो है वो इसको मनाते हैं. जो टोकू एमंग होता है ये एक तरह का फेस्टिवल होता है, जिस तरह से हम थैंक्स गिविंग करते हैं, दूसरे पीपल की थैंक्स गिविंग करते हैं. ठीक है, शेयर करते हैं, हम कोई भी चीज़ होगी हम उसको शेयर करते हैं, रिकॉन्सिलेशन करते हैं. तो इस तरह से ये एक फेस्टिवल होता है, उसी के साथ उन्होंने इसको बर्ड के साथ भी इसको इस बार जोड़ दिया, पहली बार इसको बर्ड के साथ जोड़ दिया है, ताकि हम क्या करें, बर्ड्स को भी कंजर्व करें, नेचर को भी कंजर्व कर सकें. द मोस्ट ब्यूटिफुल एस्पेक्ट ऑफ दिस फेस्टिवल इज टू फॉरगिव द पास्ट, मतलब कि जो पास्ट में हमारे पास जो भी हुआ है, ठीक है, उन सबको ये भूल जाते हैं. ठीक है, उसको मतलब कि फॉरगिव करते कर देते हैं, और हम न्यू रिलेशनशिप, ठीक है, उन जो पर्सन है इन्वायरमेंट है उसके साथ एक न्यू रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए, न्यू बॉन्ड स्थापित करने के लिए ये फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है. तो टोकू एमंग बर्ड काउंट जो है पहली बार मनाया जा रहा है. कहाँ पे मनाया जा रहा है, नागालैंड में मनाया जा रहा है. सो विनिंग द इनर बैटल ऑथर्ड बाय दैट इज सी शेन वॉटसन. तो शेन वॉटसन हमारे पास ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, उन्होंने एक बुक लिखी है, इसका नाम है विनिंग द इनर बैटल. ठीक है, विनिंग द इनर बैटल, इसका नाम है शेन वॉटसन, विनिंग द इनर बैटल, ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट. तो हमने क्रिकेट के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो मैं कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे लाया हूँ. लाइक दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1989 में लता मंगेशकर को मिला था, क्योंकि लता मंगेशकर की इस साल डेथ हुई है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2018 में अमिताभ बच्चन को मिला है, 2019 में रजनीकांत को, और 2020 में किसको मिला है, आशा पारे को. आपने ये चारों याद रखने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नाउ 68 नेशनल फिल्म अवार्ड जो दिए गए हैं उसमें बेस्ट मूवी कौन सी किसको मिला है, दैट इज सोराराई पोत्रू को, बेस्ट एक्टर अजय देवगन एंड सूर्या, इन दोनों को मिला है. ठीक है, बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम इंटरटेनमेंट दैट इज तानाजी, अजय देवगन की मूवी. बेस्ट एक्ट्रेस दैट इज अपर्णा बालामूर्ति फॉर सोराराई पोत्रू. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इस बार बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये सारे क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ पूछे गए हैं. सो मथुरा वृंदावन टू बिकम अ कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय दैट इज 2041. तो 2041 तक जो मथुरा वृंदावन है यूपी का एरिया, उसको हमने कार्बन न्यूट्रल बनाना है. ठीक है, कार्बन न्यूट्रल मतलब कि वहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं होगा, वहाँ पे भी कोई कार्बन नहीं होगा. ठीक है, उसको हमने बिल्कुल रहने लायक बनाना है. तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस दैट मथुरा वृंदावन इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट पिलग्रिमेज सेंटर, मतलब कि बहुत सारे यहाँ पे धार्मिक जो लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं. ठीक है, और हमने किसको क्या बनाना है, उसको नेट जीरो कार्बन एमिशन जो है वो बनाना है, मतलब कि इसको बिल्कुल साफ सुथरा बनाना है. यहाँ पे कार्बन की एमिशन हमने जीरो करनी है. कब तक करनी है, 2041 तक हमने ये करना है. ठीक है, कैसे करेंगे, ये इस तरह से करेंगे कि क्योंकि वहाँ पे ना बहुत सारी टूरिस्ट व्हीकल्स आती जाती है. ठीक है, ये ब्रज है. ठीक है, ब्रज रीजन है ना इसका, मथुरा वृंदावन का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट व्हीकल्स हैं आजकल. उन टूरिस्ट व्हीकल्स को हमने बैन करना है, वो उसके अंडर ब्रज रीजन में एंटर हो ही नहीं सकती. आप लोग वहाँ पे पैदल चलिए. ठीक है, इलेक्ट्रिक जो भी चीज़ें हैं उनको प्रमोट करो. ठीक है, जो ये सारी की सारी चीज़ें, इस वजह से क्या होगा, वहाँ पे कार्बन एमिशन जीरो हो जाएगा अप टू 2041. तो विच इंक्लूड्स द फेमस पिलग्रिमेज सेंटर लाइक वृंदावन, कृष्णा जन्मभूमि और ब्रज रीजन. तो इन सब रीजन्स में हमने जो व्हीकल्स हैं उनको कम्प्लीटली बैन करना है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो इस तरह से क्या होगा, 2041 तक हम इसको कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना सकते हैं. सो वन लाइनर्स मैंने यहाँ पे कुछ कम इम्प्लीमेंट किए हैं, लाइक जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अभी तक क्या थे हमारे पास, यू ललित जी पिछले 8 तारीख तक जो है, यू ललित जी हमारे 49 CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अब कौन है, अब डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो शपथ लेंगे
50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में। अब एयरटेल के सीईओ जो थे गोपाल विट्ठल, उनको इलेक्ट किया गया है डिप्टी चेयर ऑफ द GSMA, ठीक है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन जो है वो यूके में है, ठीक है, यूके में इसका सेंटर है। तो यहाँ पे इसको डिप्टी चेयरमैन जो है अपॉइंट किया गया है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जिस तरह से हमारे पास मोबाइल कम्युनिकेशन हो रहा है उसका जो ग्लोबली सिस्टम है वो कौन कंट्रोल करता है, वो GSMA कंट्रोल करता है। तो उसका जो डिप्टी चेयरमैन है वो किसको बनाया है, गोपाल विट्ठल को, ठीक है, वो एयरटेल के सीईओ भी हैं। अब ईटानगर में कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, उसका नाम अब चेंज कर दिया गया है धोनी पोलो एयरपोर्ट। ईटानगर कहाँ पे है, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड्स 40 मिलियन लोन किसको, टू ग्रीन सेल एक्सप्रेस, किसके लिए, टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक बसेस को बनाने के लिए $40 मिलियन का लोन दिया गया है बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब वीपी जो धनखड़ है, ही इज अवर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू लीड इंडिया इन एशियन, एशियन इंडिया की कमरेटिव जो समिट हो रही है, कहाँ पे हो रही है, कंबोडिया में, वहाँ पे इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वीपी जगदीप धनखड़ जी कर रहे हैं, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया विल बिकम डैश इकोनॉमी बाय 2027, मॉर्गन स्टैनली, दैट इज थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है, इंडिया विल बिकम्स द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027, ये किसने बोला है, मॉर्गन स्टैनली ने बोला है। अब ये मॉर्गन स्टैनली कौन है, ये मॉर्गन स्टैनली एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे, 1585 ब्रॉडवे इन मिड टाउन ऑफ मैनहैटन। मैनहैटन कहाँ पे है, न्यूयॉर्क सिटी में। तो USA की एक कंपनी है, ठीक है, मॉर्गन स्टैनली, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027। और आजकल इंडिया कौन से रैंक पे है, आजकल इंडिया रैंक का फिफ्थ रैंक है, ठीक है, और इंडिया की जो इकोनॉमी है दैट इज 3.5 ट्रिलियन, ठीक है। तो ये है, तो इंडिया इज ऑन द ट्रैक टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027। कौन कौन हमारे से आगे कौन कौन है, सबसे पहले है USA, फिर है चाइना, फिर है जापान, फिर है जर्मनी, ठीक है, और फिफ्थ नंबर पे है इंडिया। तो ये जो मॉर्गन स्टैनली बोल रहा है, ये जापान और जर्मनी को हम पीछे छोड़ देंगे 2027 तक, ठीक है। तो और एंड हैव द थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट, और हमारे पास थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट हो जाएगी 2030 के आसपास। तो ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है मॉर्गन स्टैनली, ठीक है। और ये भी बोला गया है कि इंडिया की GDP जो है कुड हैव मोर देन डबल, मतलब कि आजकल हमारे पास 3.5 ट्रिलियन है ना, 2031 तक ये डबल हो सकती है, दैट इज 7.5 ट्रिलियन के आसपास ये इकोनॉमी बढ़ेगी। तो ये सब कुछ किसने बोला है, ये बोला है मॉर्गन स्टैनली ने। सो डैश बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस बेस्ड ऑन बैंक रेट, ठीक है। अब अभी क्या होता था, जो हमारे पास गोल्ड प्राइसेस है ना, वो हर एक स्टेट में क्या है, वो किसी किसी रीजन में अलग अलग तरह से बेचते थे, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई स्टेट है, किसी एक रीजन में वो किसी और प्राइस पे बिकेंगे, किसी में कुछ प्राइस में बिकेंगे। तो केरला ने क्या किया है, केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस द यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस, ठीक है, मतलब कि पूरे के पूरे केरला में आपको एक रेट ही मिलेगा गोल्ड का, मतलब कि सेम रेट मिलेगा गोल्ड का, और वो बेस्ड होगा बैंक रेट के ऊपर। जितना हमारे पास बैंक रेट होगा उसके हिसाब से हमारे पास क्या होगा, गोल्ड का प्राइस होगा, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ एक बातें याद रखनी है कि गोल्ड कंज्यूमिंग स्टेट हमारे पास कौन है सबसे ज़्यादा, दैट इज केरला, ठीक है। दूसरा क्या है, द सेलिंग प्राइस ऑफ गोल्ड शुड बी यूनिफाइड, मतलब कि जो सेलिंग प्राइस होता है ना गोल्ड का, वो सेम होना चाहिए हर 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 पार्ट में, कंट्री के हर पार्ट में, ये इसका एक मेन मोटिव है, ठीक है। गोल्ड इज प्राइस्ड 150 से 300 पर ग्राम एक्स्ट्रा ओवर द बैंक रेट, मतलब कि जितना बैंक रेट से डिसाइडेड होता है उससे 150 रुपये से 300 रुपये पर ग्राम के हिसाब से, मतलब कि एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है, ठीक है। जो ये एक्स्ट्रा चार्ज है इसको रिमूव करो, जो बैंक रेट है उसी के हिसाब से गोल्ड जो है लोगों को बेचो। तो इस तरह से क्या होगा, जो गोल्ड होगा ना उसकी जो कीमत होगी वो बहुत ही कम काफ़ी कम हो जाएगी, और जो कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड जो इस तरह से बाय कर सकते हैं। तो बैंक रेट्स ऑन गोल्ड, GST एंड अदर टैक्सेस इंक्लूडेड इंपोर्ट ड्यूटी आर द सेम अक्रॉस द इंडिया। तो इस तरह का क्या हुआ, जो केरला है, केरला ने सेम प्राइसेस जो है
गोल्ड की पूरी स्टेट में कर ली है, और इसी के हिसाब से बोल रहे हैं कि हमारा इंडिया में भी इसी तरह सेम प्राइस होने चाहिए, मतलब कि जितना बैंक रेट है उसी के हिसाब से गोल्ड प्राइस होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये किसने किया है सबसे पहले, दैट इज़ केरला। सो वट इज़ द थीम ऑफ द इंडियाज G20 प्रेजिडेंसी इन 2022। अभी क्या हो रहा है, जो थीम है इंडिया की G20 प्रेजिडेंसी में वो है वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, आंसर इज वन। ठीक है, 2023 लिखना है यहाँ पे, 2023 में, क्योंकि 2022 में जो है ना, जो अभी जो 2022 है, अभी अगले हफ्ते क्या होगा, जो G20 की समिट होगी वो होगी इंडोनेशिया में, आपने ये याद रखना है, ये होगी इंडोनेशिया में। ठीक है, और जो 2023 की जो है ना प्रेजिडेंसी है वो है इंडिया के पास। ठीक है, तो 2023 के जो सम्मेलन G20 की प्रेसिडेंसी होगी उसके लिए जो इंडिया ने क्या किया है, थीम की है, वो है वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, और इन्होंने लोगो भी लॉन्च किया है, ये हमारे पास ये लोगो है G20 समिट का, इसमें देखो यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम लिखा हुआ है। ठीक है, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन रूपी, ये पूरा का पूरा इसका क्या है, थीम है। ठीक है, और G20 में हमने यहाँ पे क्या बना दिया है, एक अर्थ बना दिया है, और यहाँ पे लोटस भी बनाया है, और साथ में यहाँ पे लिखा है भारत 2023 इंडिया। ठीक है, तो द लोगो बियर्स अ लोटस एंड अ मैसेज ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इट इज ड्रॉन फ्रॉम द एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट बुक, कौन सी टेक्स्ट बुक से लिया है वसुधैव कुटुंबकम, दैट इज महाउपनिषद से ये लिया गया है। सो G20 बना क्यों था, ये ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है, मतलब कि 19 कंट्रीज है, और एक इसमें यूरोपियन यूनियन है, दैट इज अ ग्रुप। तो इसका मेन मोटिव होता है ग्लोबल हेल्थ को अच्छा करना, डिजिटल इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करना, एंड एनर्जी ट्रांजिशन को एक्सेप्ट करना। तो ये इसके तीन मेन काम है। सो नाइटेंगल नेशनल फ्लोरेंस नाइटेंगल अवार्ड आर गिवन इन द फील्ड ऑफ, दैट इज आपने काफ़ी नाम सुना होगा फ्लोरेंस नाइटेंगल। तो ये क्या थी, ये वर्ल्ड की पहली नर्स थी। ठीक है, तो नेशनल फ्लोरेंस नाइटेंगल अवार्ड्स जो दिए जाते हैं वो नर्सिंग की फील्ड में दिए जाते हैं। इनका क्या था, इनका जो जन्म हुआ था ना वो हुआ था 1820 के आसपास। ठीक है, तो जैसे इनका जन्म हुआ था उसके बाद क्या हुआ, ये एक थी, ये थी सोशल रिफॉर्मर स्टेटिस्टियन एंड फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। ठीक है, मॉडर्न ऑफ नर्सिंग। तो वहाँ पे क्या हुआ था, एक क्रीमियन वॉर हुआ था। क्रीमियन वॉर किस किस के बीच में होता, अक्टूबर 1853 से 1856 के बीच में रशिया के साथ हुआ था। रशिया एक साइड रशिया था और दूसरे साइड पे ऑटोमन एम्पायर, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। जो ये ऑटोमन एम्पायर, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम है, ये जीत गए थे और रशिया इसमें हार गया था। तो इस वॉर में बहुत सारे लोग जो घायल हुए थे, तो उनकी जो है सेवा जो है इन्होंने की थी। वो ये एक इस तरह से लालटेन लेके जाती थी, ठीक है, और उनकी सेवा करती थी जो जो भी उस युद्ध में इंजर्ड हो जाता था। सो दैट्स व्हाई इनका जो निकनेम है वो इनको बोलते हैं द लेडी विद द लैम्प। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड द नेशनल फ्लोरेंस नाइटेंगल अवार्ड फॉर 2021 फॉर द नर्सिंग प्रोफेशनल के लिए ये दिया जाता है, ये वाला अवार्ड। और किसने दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको प्रोड्यूस करती है। सो अपने ध्यान रखना है, नेशनल फ्लोरेंस नाइटेंगल अवार्ड्स आर गिवन इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग। सो इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट, दैट इज क्या है, विक्रम एस हमारे पास इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट है। अभी क्या है, जितने भी हमारे पास रॉकेट्स हैं वो कौन बनाता था, वो बनाता था इसरो। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एक प्राइवेट कंपनी आ गई है जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस, जो कि तेलंगाना में जिसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, वो प्राइवेट कंपनी है, वो भी अब क्या बना रही है, रॉकेट्स बना रही है। तो उन्होंने ये एक रॉकेट बनाया है जिसका नाम है विक्रम एस। विक्रम मतलब विक्रम जो ये नाम है ये दिया गया है विक्रम साराभाई के नाम से, जो कि हमारे पास जिनका स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत ही ज़्यादा नाम है इंडिया में, और एस से नाम आता है स्काई रूट। स्काई रूट इनकी कंपनी का नाम है, और इनका जो मिशन है वो 2023 में स्टार्ट होगा, प्रारंभ मिशन, इनका पहला मिशन होगा प्रारंभ मिशन। ठीक है, इसमें ये क्या करेंगे, ये लॉन्च करेंगे विक्रम एस, लॉन्च करेंगे। ठीक है, विक्रम एस क्या है, ये लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, ये सारा का सारा क्या है, एक लॉन्च व्हीकल है, इसके अंदर सैटेलाइट्स होंगे। ठीक है, जैसे जैसे ये पीछे वाला पार्ट टूटता जाएगा, ये वाला पार्ट टूटता जाएगा, फिर वो जो सैटेलाइट है वो बाहर आएगी और वो यहाँ पे इसको प्लेस करेंगे। तो ये एक तरह का क्या है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसके तीन वेरियंट है,
विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3। विक्रम 1 जो है जो 480 किलोग्राम को उठा सकता है और लो अर्थ ऑर्बिट में ये प्लेस करेगा। तो विक्रम 2 जो है 595 किलोग्राम उठाता है और एक कार्गो टर्मिनल के कार्गो टाइप का है, ठीक है। एंड विक्रम 3 कैन लॉन्च 815 to 500 किलोमीटर, ठीक है, मतलब कि एक 815 किलोग्राम को 500 किलोमीटर तक लेके जा सकता है, मतलब कि लो इंक्लेनेशन ऑर्बिट में इसको प्लेस कर सकता है किसी भी सैटेलाइट को। सो द विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल विल बी पावर्ड बाय कलाम 100 रॉकेट, मतलब कि जो विक्रम 1 है उसमें एक कलाम रॉकेट भी होगा जो कि किसके नाम पे है, अबुल कलाम आजाद, सॉरी हमारे जो राष्ट्रपति हैं APJ अब्दुल कलाम, उनके नाम पे है। नेशनल विंटर गेम्स विल बी हेल्ड इन, अभी नेशनल विंटर गेम्स जो है वो स्टार्ट होने वाली है, वो कहाँ पे होंगी अगले साल, दैट इज उत्तराखंड में वो होंगी। उत्तराखंड में कहाँ पे होगी, होस्ट स्टेट कौन है, उत्तराखंड, और उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है चमोली डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे होंगी। और चमोली डिस्ट्रिक्ट में भी एक प्लेस है, वहाँ पे औली नाम का प्लेस है जहाँ पे स्कीइंग के लिए काफ़ी फेमस है, तो वहाँ पे हमारे पास नेशनल विंटर गेम्स जो है वो होगी। ये सेकेंड टाइम जो हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कहाँ पे, औली में, कहाँ से, सेकेंड और फरवरी से 5th of February 2023 में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इसी के साथ साथ एक हिमालयन ट्रॉफी भी जो है वो अभी आयोजित की जाएगी, वो भी उत्तराखंड में ही आयोजित की जाएगी। तो दो, ये दो क्वेश्चन है, हिमालयन ट्रॉफी एंड नेशनल विंटर गेम्स, ये दोनों उत्तराखंड में होंगी। और जो हिमालयन ट्रॉफी होगी वो 7 फरवरी से 8 फरवरी के बीच में होगी, और ये किस में होगा, ये स्कीइंग में होता है, जो हमारे पास स्कीइंग होती है ना, एक गेम होती है, उसके ऊपर ये सारी की सारी ट्रॉफी है। अब कुछ और क्वेश्चन है, ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ अंडमान निकोबार और इंडिया, ठीक है, इंडिया में ये सबसे, मतलब कि एक ही एक्टिव वोल्केनो है, उसका नाम है बैरन आइलैंड, नॉर्थ अंडमान में है। टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स अंडमान निकोबार में 572, उनमें से 37 ही हैबिटेंट हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार दैट इज सीडल पीक नॉर्थ आइलैंड में है। अंडमान निकोबार इज सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल से, मतलब कि अंडमान ऊपर है, निकोबार नीचे है और बीच में 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। हरगल जल की फर्स्ट स्टेट कौन सी है, दैट इज सर्टिफाइड फर्स्ट स्टेट, दैट इज गोवा। हरगल जल की फर्स्ट सर्टिफाइड यूटी दैट इज दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव। हरगल जल की फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है, दैट इज बुरहानपुर मध्य प्रदेश। सो हु हैज बीन इलेक्टेड एज फर्स्ट लेस्बियन गवर्नर ऑफ USA, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। लेस्बियन गवर्नर, पहली लेस्बियन गवर्नर कौन है USA की, दैट इज मॉरा हैले, ठीक है। वो क्या थी, वो पहले अटॉर्नी जनरल थी, मैसेच्यूसेट एक राज्य है कहाँ का, USA का, तो वहाँ पे ये गवर्नर बन गई है, ठीक है। ये फर्स्ट गवर्नर है जो कि लेस्बियन है, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं USA से रिलेटेड, लाइक हरिकेन इयान यहाँ पे आया था अप्रैल मई के महीने में, दैट इज USA फ्लोरिडा में। केतांजी ब्राउन जैक्सन हमारे पास फर्स्ट ब्लैक वुमेन है ऑफ ऑन द नेशनल हाईएस्ट कोर्ट, जो यहाँ का सुप्रीम कोर्ट है ना, वहाँ की पहली ब्लैक वुमेन जो जज बनी है वो बनी है केतांजी ब्राउन जैक्सन, कहाँ की, USA की। अब कुछ और क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन कब बना था, वो 1 नवंबर 1993 में। कंट्रीज कितनी है इसमें, 27 कंट्रीज है। हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम है। अब नाटो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4th of April 1949 को ही बना था। कंट्रीज मेंबर है इसकी 30 और हेडक्वार्टर इसका भी बेल्जियम, ब्रसेल्स बेल्जियम है। इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे, यूरोपियन यूनियन और नाटो का, ब्रसेल्स बेल्जियम में इनका हेडक्वार्टर है। सार्क कब बना था, 1985 में। हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में और इसमें 8 कंट्रीज हैं। इस और एशियन कौन बना था, 1967 में बना था। इसका हेडक्वार्टर जगह था इंडोनेशिया में है और इसमें 10 कंट्री है और इसमें इंडिया नहीं है। इसमें इंडिया है पर इसमें इंडिया नहीं है और इन दोनों में भी इंडिया नहीं है, ठीक है। ब्रिक्स का बना था 2009 में, इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, इसमें भी इंडिया है। SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में बना था, हेडक्वार्टर बीजिंग में है, ठीक है, चाइना में, और इसमें 9 कंट्रीज है और इंडिया भी इसमें मेंबर है। क्वाड का बना था 2007 में बना था, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। I2U2 इसमें भी इंडिया, इसराइल, USA और UAE बने थे। ये 2021 में बना था और 2022 में इसकी पहली बैठक हुई थी I2U2 की। तो फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू बी अवॉर्डेड बाय बेली के एशफोल्ड मेडल फॉर हिज रिसर्च इन ट्रॉपिकल मेडिसिन, जो ट्रॉपिकल जो मेडिसिन होती है ना उनके बारे में जो रिसर्च किया है उसके लिए
पहले इंडियन साइंटिस्ट हैं जिनको जो बेली के एशफोर्ड मेडल जो है उनको मिला है, दैट इज डॉक्टर सुभाष बाबू। तो डॉक्टर सुभाष बाबू पहले, मतलब कि 82 साल के, मतलब कि 82 साल हो गया है, 82 ईयर्स हो गया है, ये अवार्ड किसी भी इंडियन को कभी नहीं मिला था। तो ये पहले साइंटिस्ट हैं, इंडियन साइंटिस्ट, जिनको ये अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने बहुत सारी डिजीज़ के बारे में रिसर्च की है, लाइक डिजीज़ इंक्लूडिंग फिलारीसिस, ठीक है, हेमलिनिक इन्फेक्शन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो होते हैं, उन सब के बारे में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है, और टीबी, और इन पे जो सबसे ज़्यादा है वो डायबिटीज़ और टीबी, इसके बारे में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, ठीक है। Type 2 TB के बारे में इन्होंने रिसर्च की थी, एंटी TB थेरेपी के बारे में इन्होंने रिसर्च की थी, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है टीवी के फील्ड में, ताकि हमारे पास ग्लोबल हेल्थ को बचाया जा सके और ग्लोबल हेल्थ को अच्छा किया जा सके। तो उसी के बेस पे बेली के एशफोर्ड मेडल जो है वो डॉक्टर सुभाष बाबू को मिला है, और ये पहले इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है। और ये कौन देता है? ये देता है अमेरिकन एक सोसाइटी है, द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन, ठीक है, ASTMH। तो इन्होंने ये अवार्ड दिया है किसको? डॉक्टर सुभाष बाबू को। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ कम्प्लीटेड द मदर टंग सर्वे, ठीक है। मदर टंग सर्वे जो है किसने कम्प्लीट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ इंडिया ने, ठीक है, गृह मंत्रालय जिसको हिंदी में बोलते हैं, उन्होंने एक जो है सर्वे कम्प्लीट किया है, मदर टंग सर्वे, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ विद फील्ड वीडियोग्राफी ऑफ द कंट्रीज, कितनी लैंग्वेजेस में, दैट इज 576 लैंग्वेजेस में इनको उन्होंने क्या किया है, 576 डिफरेंट लैंग्वेजेस इन्होंने लिए है, मदर टंग लैंग्वेजेस, उनका उन्होंने सर्वे किया है। किसने किया है? गृह मंत्रालय ने। गृह मंत्रालय मतलब द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये किया है। तो आपसे ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि कितने लैंग्वेजेस में जो है वो सर्वे कंप्लीट हुआ है, मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया, दैट इज 576 लैंग्वेजेस। अब कुछ और क्वेश्चन है, कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं यहाँ पे इंक्लूड किए हैं मैंने, लाइक गुस्टावो पेट्रो इज द फर्स्ट लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया, ठीक है, तंजानिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट सामिया सुलू हसन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 17th प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस, दैट इज फर्डिनांड मार्को जूनियर्स, और फिलीपींस में 6 साल का टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का, इंडिया में 5 साल का। 14th प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, दैट इज येर लिपिड, अब ये हार गए हैं, इनके जगह पे बेंजामिन नेतान्याहू जो है वह आएंगे, अभी ये आएंगे, बट करंटली हमारे पास येर लिपिड है। प्रेसिडेंट ऑफ सोमालिया हसन शेख, प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी कैटोलिना नोवाक, जेम्स मेरापे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पापुआ न्यू गिनी, प्रेसिडेंट ऑफ केनिया दैट इज विलियम सोमेई अराप रूटो, ठीक है, ये प्रेसिडेंट है केनिया के। तो आपने याद रखने, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं ये पक्का पूछे जाएंगे। सो वन लाइनर्स क्वेश्चंस मैंने कुछ लिए हैं यहाँ पे। 18th इंटरनेशनल टेलीमेडिसिन कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पे होगी? दैट इज इन केरला, उत्तर प्रदेश। अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो हुई थी कहाँ पे? कर्नाटका में, ठीक है, 2022 में। अब 2023 में कहाँ पे होगी? उत्तर प्रदेश में ये हो रही है। स्टेट एंड फूड एग्रीकल्चर रिपोर्ट ये किसने जारी की है? दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो इटली रोम में हेडक्वार्टर है। QS एशिया की यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में क्या हुआ? IIT बॉम्बे को टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है माना गया है साउथ एशिया में, ठीक है। एडिडास अपॉइंट्स बिजॉर्न गोल्डेन एज CEO ऑफ द कंपनी, मतलब कि एडिडास जो कंपनी है उन्होंने बिजॉर्न गोल्डेन को क्या बना दिया है? CEO ऑफ कंपनी बना दिया है। प्रमोद भगत और मनीषा रामदास, इन दोनों ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पे? BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड जीता है। IMF टू प्रोवाइड $4.5 बिलियन लोन टू विच कंट्री टू कॉम्बैट इकोनॉमिक क्राइसिस, दैट इज श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। सो आंसर इज डी, दैट इज बांग्लादेश। अभी तक क्या हुआ है, जो IMF होता है ना, हमारे पास दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक है वर्ल्ड बैंक और एक है IMF, ठीक है। जो वर्ल्ड बैंक है ना वो देता है लोन किसी भी कंट्री के लिए उसके डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि हमारे पास इंडिया है, इंडिया के लिए वर्ल्ड बैंक से काफ़ी सारा लोन मिल जाता है डेवलपमेंट काम करने के लिए। पर जो जब कंट्री, कोई भी कंट्री होती है, जब वो पूरे के पूरे इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही होती है, बिल्कुल डूबने के कगार पे होती है, तब IMF जो है वो लोन देता है, ठीक है। तो ये कौन सी कंट्री है? अभी अभी देखो, कुछ दिन पहले
श्रीलंका आजकल इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, ये भी दिवालिया हो गया है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान भी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो इन दोनों को भी लोन IMF ने दे दिया है। अब तीसरी कंट्री है हमारे पास, समझो हमारे पास नेबर में है, दैट इज़ बांग्लादेश। इनको भी $4.5 बिलियन का लोन जो है वो दिया गया है टू कम्बैट द इकोनॉमिक क्राइसिस। इसमें इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा आगे हैं, ठीक है। बांग्लादेश की जो इकॉनमी है वो होता है $416 बिलियन की इकॉनमी है, ठीक है। ये वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है कुछ सालों से, बट अभी क्या हुआ, रशिया और यूक्रेन का इन्वेजन हो गया, ठीक है। रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेजन कर दिया और वॉर कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, इनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है। पिछले साल इनका फॉरेन रिजर्व था $46.49 बिलियन, बट इस साल क्या हो गया, ये कम हो गया है, $14 बिलियन कम हो गया है, दैट इज $35.74 बिलियन रह गया है। तो ये काफ़ी कम है, ठीक है। इसको इंक्रीज करने के लिए IMF ने इनको क्या दिया है, लोन दिया है $4.5 बिलियन का, ताकि और कुछ, जब IMF किसी कंट्री को लोन देता है तो कुछ एक शर्तें होती हैं जो उनको माननी पड़ती है, मतलब कि IMF के अकॉर्डिंगली उनकी इकोनॉमी चलेगी, ठीक है, कुछ एक रूल्स होते हैं। तो थर्ड कंट्री है, पहली कंट्री कौन थी, साउथ एशिया की पहली कंट्री, मतलब कि जो इंडिया के साथ बॉर्डर बनाती है, दैट इज़ श्रीलंका, दूसरी पाकिस्तान, तीसरी बांग्लादेश, को भी इन्होंने लोन दे दिया है। अब IMF का मतलब क्या है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है। और जो वर्ल्ड बैंक है, ये दोनों के दोनों एक ही दिन बने थे, 1944 में, ब्रैटन वुड्स आपने याद रखना है, कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस थी ब्रैटन वुड्स में, न्यू हैम्सपेयर यूनाइटेड स्टेट में, और इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो USA में ही है, ठीक है। इसके मेंबर कंट्री है 190 जो है IMF की मेंबर कंट्रीज हैं। हु इज गोइंग टू होस्ट वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, दैट इज इंडिया। सो इंडिया क्या करने वाला है, वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 जो है इस बार ये होस्ट करने वाला है। तो ये एक MOU साइन हुआ न्यू दिल्ली में, किस किस के बीच में, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एंड बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच में, कि हमने इंडिया में क्या करवाना है, वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 करवाना है। ऑफकोर्स क्वेश्चन है, अब बॉक्सिंग में हमने 7 मेडल जीते हैं टोटल इन कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, जिसमें से कि 3 गोल्ड थे, ठीक है, नीतू गंगास, अमित फंगल एंड निकर जरीन, इन तीनों ने क्या जीता है, गोल्ड जीता है, ठीक है। सागर अलवात ने जीता है सिल्वर, जैस्मिन मोहम्मद हुसमुद्दीन एंड रोहित टकोस, इन तीनों ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। नाउ कुछ और मेडल्स हैं रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, लाइक नंबर ऑफ मेडल्स वन बाय इंडियन रेसलिंग, रेसलिंग में हमने 12 मेडल जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज है। टॉप रैंक, टॉप 5 रैंक किस किस की थी, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड, तीसरे पे कनाडा, चौथे पे हम इंडिया आए हैं, और पांचों पे न्यूजीलैंड। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 किसने जीता है, लक्ष्य सेन ने। जर्मन ओपन 2022 किसने जीता है, लक्ष्य सेन ने, किसको हराया है, विक्टर एक्सेलसन को हराया है। CWG कॉमनवेल्थ गेम 2022 इंडिया बैडमिंटन में हमने 6 मेडल जीते हैं, 3 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, ठीक है। सात्विक एंड चिराग शेट्टी ने गोल्ड जीता है, किसमें, बैडमिंटन में, डबल्स में। लक्ष्य सेन ने गोल्ड जीता है, PV सिंधु ने भी गोल्ड जीता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे हम कब मनाते हैं, 29th ऑफ अगस्त, किसका बर्थडे होता है, मेजर ध्यानचंद का बर्थडे होता है, ठीक है। फर्स्ट बैडमिंटन अकेडमी हमने कहाँ पे खोली है, लखनऊ UP में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी अभी जो पीछे जैसे हुई थी, वहाँ पर वो कहाँ पर हुई थी, पंचकूला हरियाणा में हुई थी, और इसका जो मस्कट था वो था धाकड़, और पहले नंबर पे हरियाणा ही रहा था, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो सेकंड यूनिवर्सिटी गेम हुई थी बेंगलुरु में, मस्कट वीरा था, और जैन यूनिवर्सिटी इसमें पहले नंबर पर आई थी, दूसरे पे LPU एंड तीसरे पे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप वुमेन का 2022 ये इंडिया ने इसको होस्ट किया था, ठीक है। थॉमस कप 2022 किसने जीता है, इंडिया ने पहली बार जीता है थॉमस कप, ये आपने याद रखना है, किसको डी हरा के, इंडोनेशिया को, जो पिछली बार के चैंपियन थे, इनको फाइनल में हराया था। उबेर कप किसने जीता है, साउथ कोरिया ने जीता है, और उन्होंने किसको हराया है, चाइना को इन्होंने हराया। जो उबेर कप होता है ना, ये वुमेन का होता है, और जो थॉमस कप होता है वो मेल्स का होता है बैडमिंटन का, ठीक है। तो साउथ कोरिया ने चाइना को हराया था, और चाइना भी क्या था, प्रीवियस चैंपियन था। सो फर्स्ट एवर इंडियन अमेरिकन टू होल्ड ऑफिस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर इन मैरीलैंड USA, दैट इज अरुणा मिल्लर। सो अरुणा मिल्लर हमारे पास पहली इंडियन अमेरिकन बन गई है जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है USA के किसी एक स्टेट की, दैट इज मैरीलैंड स्टेट की, ठीक है।
तो फर्स्ट अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट लेस्बियन गवर्नर ऑफ यूएसए, दैट इज मौरा हेले। ठीक है, आप कुछ और क्वेश्चंस है। मिसेज इंडिया यूएसए 2022 किसने जीता है? अक्षी जैन ने। मिस इंडिया है वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल। मिस यूनिवर्स डिवाइन 2022 पल्लवी सिंह। मिस वर्ल्ड 2022 किसने जीता है? कैरोलिना ने। शी इज फ्रॉम पोलैंड। एंड मिस यूनिवर्स किसने जीता है 2022 में? दैट इज इंडिया की हरनाज संधू। कहाँ पे रहती है? चंडीगढ़ की। और ये कहाँ पे कंपटीशन हुआ था? इसराइल में। सो अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, विच ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर्स टू डिसअपीयर बाय 2050? दैट इज बी येलोस्टोन, जो यूएसए में है, एंड कैलिमेंजारो नेशनल पार्क, जो कि तंजानिया में है। तंजानिया कहाँ पे है? दैट इज अफ्रीका, अफ्रीका के तंजानिया में है हमारे पास कलिमंजारो। मतलब कि जो तंजानिया और केनिया है उसके बॉर्डर पे आता है ये कलिमंजारो, बट ये इसको हम तंजानिया में ही मानते हैं। ठीक है, येलो स्टोन कहाँ पे है? ये यूएसए में है। ठीक है, ये वाला येलो स्टोन। ठीक है, तो ये एक स्टडी में इन्होंने बताया है कि ये 2000, मतलब कि सन 2000 से लेके आज तक कंटिन्यूसली जो CO2 का मिशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का मिशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है? जो हमारे पास आइस है ना, वो पिघल रही है। ठीक है, मतलब कि 58 बिलियन टन का जो आइस है, कि जो बर्फ है, वो पिघल रही है। ठीक है, हर साल, मतलब कि हर साल ये 58 बिलियन टन जो है वो आइस पिघल रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारे पास जो जो पानी है समुद्र में वो बढ़ रहा है। ठीक है, और कितना पानी इससे बनेगा? जितना कि फ्रांस और स्पेन मिला के एक साल में यूज़ करता है, उतना पानी, उतनी बर्फ जो है हर साल पिघल रही है। ठीक है, और ये हमारे पास किसकी वजह से हो रहा है? सारा का सारा ग्लोबल वार्मिंग और CO2 की वजह से हो रहा है। बट हम इसको रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? कि हमने अब क्या करना है, अब हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मतलब कि एक 1.5 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज नहीं करना चाहिए। ठीक है, और यही बात जो है यूनेस्को ने COP 27 को भी बोला है कि आप कुछ करिए। ठीक है, जाकि ताकि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो और भी ज़्यादा कम हो। क्यों? और क्योंकि आजकल COP 27 कहाँ पर हो रहा है? ये होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27, ये आजकल इजिप्ट में हो रही है। और ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है, लाइक ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, ठीक है, उसको निपटने के लिए हमने इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो ये आजकल कहाँ पे हो रहा है? इजिप्ट में हो रहा है। तो इनसे भी अपील की गई है कि आप इसके लिए कुछ रूल्स बनाओ, कुछ सोल्यूशन बनाओ, ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर सकें। सो PM मोदी टू गिफ्ट विच स्टेट आर्टिफैक्ट्स टू G20 लीडर्स इन बाली समिट। अभी क्या हो रहा है, G20 की जो समिट हो रही है वो हो रही है इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया की कहाँ पे हो रही है? कैपिटल, दैट इज बाली में ये हो रही है। तो अभी अभी क्या हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहे हैं? चुनाव हो रहे हैं। ठीक है, इलेक्शन हो रहे हैं असेंबली के। अभी 12 नवंबर आज यहाँ पे क्या है, इलेक्शन है। तो उसको ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी क्या करेंगे, हिमाचल की कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं उनको गिफ्ट करेंगे किसको? G20 लीडर्स को। ठीक है, G20 में जितने भी लीडर्स आएंगे उनको देंगे। क्या क्या देंगे? चंबा का रुमाल, किन्नौरी शॉल, हिमाचली मुखौटे, ठीक है, कांगड़ा की मिनिएचर पेंटिंग्स, कुल्लू की शॉल, कनल ब्रास सेट। ठीक है, वो ये सब के सब किसको देंगे? ये G20 में जितने भी लोग आए हैं उनको देंगे, ताकि उनका क्या होगा, इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे, एक तरह का हिमाचल प्रदेश की तरह एक सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं कि भाई हम इतना ज़्यादा हिमाचल के बारे में सोचते हैं। वी स्टेट टू होस्ट 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, दैट इज उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है वो थर्ड एडिशन इसका स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट एडिशन कहाँ पे हुआ था? ओडिशा में। सेकंड ऑडिशन कहाँ पे हुआ था? अभी कुछ एक साल पहले क्या कहाँ पे हुआ था? ये कर्नाटका में हुआ था। ठीक है, कर्नाटका में भी कहाँ पे? बेंगलुरु में। ठीक है, और अब थर्ड होने वाला है, ये कहाँ पे होने वाला है? यूपी में। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो 2023 की होने वाली है वो यूपी में होने वाली है। ठीक है, यूपी में भी कहाँ पे? ये चार सिटीज़ में होगा, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी एंड नोएडा में। और इसमें 4500 एथलीट्स जो है पार्टिसिपेट करेंगे, और 150 यूनिवर्सिटीज़ जो है पूरी की पूरी इंडिया की पार्टिसिपेट करेंगी। इसमें 20 गेम्स होंगी, लाइक बास्केटबॉल, जूडो, कबड्डी, रेसलिंग, स्विमिंग, बॉक्सिंग, रोइंग, इस तरह की गेम्स जो इसमें होंगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश इसको पहली बार जो है इसको होस्ट कर रहा है। फर्स्ट टाइम इसको उड़ीसा ने किया था, दूसरी बार कर्नाटका के बेंगलुरु ने इसको होस्ट किया था 2021 में, 2022 में, और 2023 में कौन इसको होस्ट करेगा? उत्तर प्रदेश।
सो पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट इज टू बी हेल्ड इन, जो पीएम गतिशक्ति की मल्टी मॉडल वाटरवेज की समिट है वो हमारे पास इस बार होने वाली है वाराणसी उत्तर प्रदेश में हो रही है। ठीक है, पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज जो समिट है ये किस लिए ऑर्गेनाइज की जा रही है, ताकि हम जो वाटरवेज वगैरह है ना उनको काफ़ी अच्छी तरह से उनको बनाए। वाटरवेज को इतना ज़्यादा महत्व क्यों देते हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा सस्ता जो होता है ना, सबसे जो महंगा होता है वो रोड ट्रैवल होता है, उससे जो सस्ता होता है वो ट्रेन ट्रैवल होता है, और जो सबसे ही सस्ता होता है वो होता है वाटरवेज। ठीक है, ताकि हम ज़्यादा, तभी हम इसको क्या कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाए, वाटरवेज बनाए, एक जगह से दूसरे जगह को कनेक्ट कर सके। ठीक है, और ये पीएम गतिशक्ति है क्या, पीएम गतिशक्ति क्या है, इसको बोलते हैं हम नेशनल मास्टर प्लान। ठीक है, किसके लिए, कनेक्टिविटी के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके हमारे पास सात आधार होते हैं, सात आधार का मतलब कि सात मिनिस्ट्रीज जो इसमें आपस में मिलती हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड मिनिस्ट्री है, जिस तरह के पोर्ट हैं, पोर्ट से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो इसमें आएगी, जैसे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो आएगी, ठीक है, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से रिलेटेड जो आएगी, चौथा कौन सा होता है, वाटरवेज से रिलेटेड जो भी आएगी, मतलब कि जितनी भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड साथ के साथ मिनिस्ट्रीज हैं, साथ के साथ ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक साथ इकट्ठी आएगी और वो साथ काम करके हमारे पास जो इंडिया की जितनी भी कनेक्टिविटी है ना एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने के लिए, उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसका मेन मतलब है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए आपने ये ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं पीएम गति शक्ति। और इसमें 1.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है वो खर्च होंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर है, आपने ध्यान रखना है। और ये 15 अगस्त 2021 को पीएम मोदी ने क्या किया था, पीएम गति शक्ति को अनाउंस किया गया था, और 2022 का जो अभी बजट आया था ना फरवरी में, उसमें भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो जोर दिया गया था कि हमने कनेक्टिविटी को इंक्रीज करना है। सो हु बिकम द फर्स्ट बैट्समैन इन क्रिकेट टू स्कोर 4000 रन इन T20 इंटरनेशनल। तो पूरे वर्ल्ड में एक ही प्लेयर है जिसने आज तक T20 के जो इंटरनेशनल्स हैं उसमें 4000 रन पूरे किए हैं, दैट इज़ विराट कोहली। अभी हमारे पास क्या हो रहा था, इंग्लैंड और इंडिया का सेमीफाइनल मैच हो रहा था एडिलेड में, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी वहाँ पे उन्होंने ये अचीवमेंट जो है वो पूरी की है, उन्होंने 4000 रन जो है इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल रन्स बना दिए, ये सबसे ज़्यादा है और ये फर्स्ट प्लेयर है जिन्होंने 4000 T20 इंटरनेशनल रन्स जो है बनाए हैं। ठीक है, और इससे पहले उन्होंने एक और रिकॉर्ड भी तोड़ा था, महिला जयवर्धने का रिकॉर्ड था कि T20 के जो वर्ल्ड कप है उसमें सबसे ज़्यादा रन थे 1016 रन। ठीक है, और उन्होंने क्या कर दिया, कोहली ने इसको भी तोड़ दिया था, इस रिकॉर्ड को, 1016 से ज़्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है, विराट कोहली, और किस में, T20 वर्ल्ड कप्स में। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन है, 45th चेस ओलंपियाड कहाँ पे हुआ था, दैट इज उज्बेकिस्तान में हुआ था। 75th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, दैट इज वी प्रणव। ठीक है, वर्ल्ड चेस डे 20th of July। अब 76 भी बन गए हैं, उनका नाम है शायद प्रणव, वी प्रणव है, और उनका फर्स्ट नेम ही प्रणव है, उसके बाद में मुझे याद नहीं आ रहा क्या है, आई विल टेल यू लेटर। ठीक है, वर्ल्ड चेस डे, दैट इज 20 जुलाई। फिडे न्यू डिप्टी डायरेक्टर, दैट इज विश्वनाथन आनंद, एंड फिडे जो है हमारे पास 20 जुलाई 1924 को कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। हु वॉन मैंस सिंगल 2022 पेरिस मास्टर टाइटल। ठीक है, उनका नाम है होल्गर रिवने। अभी क्या हुआ, जो पेरिस मास्टर टाइटल हुआ था उसके वो जो फाइनल हुआ था वो हुआ था नोवाक जोकोविच और होल्गर रूने के बीच में, इन दोनों के बीच में हुआ। और इसमें क्या हुआ, ये अभी 19 साल के हैं होल्गर रूने, इन्होंने क्या कर दिया, नोवाक जोकोविच को हरा दिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और ये यंगेस्ट पेल प्लेयर है होल्गर रूने, जिन्होंने 6-time चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराया है इसमें। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपने नाम याद रखना है, दैट इज होल्गर रूने। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।